स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की सविशेष कृपा के परिणाम स्वरूप आज June 14th, 2024 के पवित्र दिन से हम सब हिंदू सोसाइटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के पवित्र प्रांगण में परमात्मा के दिव्य स्वरूप जहां पर विराजमान हैं, उन सब के सानिध्य में श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अध्ययन का आरंभ करते हैं। वी बिगिन टू स्टडी श्रीमद् भागवत। आरंभ में जन्मदाता माता पिता को मैं वंदन करता हूं। माता पिता शरीर देते हैं, मन बुद्धि एवं चित्त का संस्करण एनलाइटनमेंट गुरुदेव करते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। पूरब और पश्चिम के कई विद्वानों को, स्कॉलर्स को मैंने पढ़ा है, सुना है, कई महापुरुषों के सानिध्य का सद्भाग्य भी इस शरीर को प्राप्त हुआ है। उन सभी को मैं कृतज्ञ भाव से स्मरण करता हूं और अंत में आप सभी के अंतःकरण में विराजमान पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आज से आरंभ करके 7 दिन आर गोइंग टू बी अ वंडरफुल पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल द लिसनर्स। यहां जो मेरे सन्मुख बैठे हैं वो भी, राले में
हिंदू सोसाइटी में, और पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से समग्र विश्व में इस समय लाइव जो सुन रहे हैं और बाद में सुनते रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्लिप वो क्या कहते हैं लिंक फॉरवर्ड करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी देयर इन दिस लाइब्रेरी कॉल्ड पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल, उन सभी के लिए शब्द मैंने प्रयोग किया, हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, वी बिगिन टू स्टडी द स्क्रिप्चर। ये पहली बात स्पष्ट समझ लें। हिमांशु भाई बहुत सुंदर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्लीज थैंक यू, आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। मैंने कहा वी आर स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स तथा सुनने का तो लाभ आपने अनेक बार लिया होगा, श्रवण का पुण्य है, श्रवण की महिमा है, बट दिस सेवन डेज आर गोइंग टू बी डिफरेंट इन द वे कि हम केवल सुनने पर रुकने वाले नहीं हैं, हम जो हमने सुना है उसका प्रयोग करेंगे, आचरण करेंगे, उसको जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ये 7 दिन जो है वो इनर क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के दिन है। कि हमेशा मेरा मानना यह है, आज जो कथा का आरंभ हो रहा है June 14, 2024, ईस्टर्न यूएस टाइम के अनुसार शाम के 7 बजने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। इस समय जो हम हैं मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, वैसे के वैसे यदि 7 दिन के बाद जब कथा का विराम हो, 28th मनोज भाई, यस June 28, 2024 रात के 9:30 बजे, वैसे के वैसे हम जैसे अभी हैं, तो फिर ये 7 दिन की मेहनत करी क्यों? What was my purpose of traveling from India? What was your purpose of gathering for 7 days? ये सब volunteers की सेवा, ये भोजन का प्रबंध, कुछ तो हमारे भीतर रूपांतरण होना चाहिए। दो शब्द मुझे बड़े प्यारे लगे बहुत शुरुआत में, जब मैं आया यहां पर, आदरणीय मनोज भाई ने कहा पिछले 30 वर्षों से आ रहा हूं, तो पहले 4-5 वर्षों में लोगों से जो इंटरेक्शन होता था, इंटरेक्शन तो अभी भी होता है, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सुंदर कहा वॉशिंगटन मैरीलैंड में कि हम आपकी कथा में इसलिए आते हैं, यहाँ टिपिकल जो मेंटालिटी है हमारी, स्पेशली द यूथ प्रोफेशनल एजुकेटेड क्राउड, कि हम जो करेंगे यह तो हमें कुछ मिलना चाहिए, बिकॉज वी आर पुटिंग टाइम, और आप लोगों का तो टाइम की वैल्यू बहुत होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें कुछ मिलना चाहिए तो हम टाइम देंगे, और इट शुड बी फन। क्योंकि उसने कहा कि कुछ मिलना चाहिए, मैंने कहा आप वीकेंड में जाते हो, बीच पे जाते हो, कहीं पार्क्स में जाते हो, वहां तो ऊपर से खर्च करते हो, मिलता क्या है वहां आपको, कहते हैं वो फन होती है ना, तो इधर वी शुड गेट समथिंग, आई शुड, वी शुड रिसीव समथिंग, और इट शुड बी फन। अमेरिका के लोग तभी समय देते हैं, वरना समय नहीं देते। मैं आपको इस कथा के आरंभ में प्रिय स्वजनों अश्योर करना चाहता हूं, फॉर दिस 7 डेज, ऑल द इवनिंग्स दैट यू आर विथ मी हियर, यू विल गेट बोथ द थिंग्स, यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, एंड इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस हम सबके लिए, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका जो मूल्यवान समय है उसका
पूर्ण आपको रिटर्न मिले। शुरुआत में मैं कहता हूं, चार पांच दिन कथा के होने दीजिए, आप लोग कहेंगे, और आप कहेंगे इतना ही नहीं, आप अपनों से भी कहेंगे कम ओवर, इट्स वर्थ इट। आप सबका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन फेटविल नॉर्थ कैरोलिना से आए हुए हमारे डॉक्टर रमेश भाई पटेल, पुष्पा बहन, हमारे डॉक्टर राकेश भाई, नूतन बहन, जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो, लोग आपको पहचान ले, फेटविल से आए हैं। और मैंने पूछा, वो सातों दिन हमारे बीच में यहां रहने वाले हैं कथा। दो वर्ष पहले ही उन्होंने कथा का सुंदर आयोजन किया था, और इस कथा के देखिए रूट्स तो बहुत फैले हुए होते हैं। सबसे पहला रूट तो मनोज भाई ने बता दिया 1990 में, मनोज भाई शिकागो में जो कथा हमारा एक संपत परिवार उन्होंने आयोजन किया था शिकागो में, वहां पर मनोज भाई ने और बहना नंदिनी ने वहां पर कथा का श्रवण किया। मनोज भाई ने कहा तब से उन्होंने संकल्प किया था कि जब प्रभु कृपा करेंगे, कैपेसिटी आ जाएगी, तो कथा करनी है। मनोज भाई मुझे कल एयरपोर्ट से आते समय बता रहे थे। दूसरा एक रूट वहां भी है फेटविल की कथा में, मुझे याद है माता जी आप पधारी थी वहां पर, और तब से उन्होंने कहा था कि आप राले आइए, राले आइए। मैं तो हमेशा कहता हूं, आप तो कहते हो आइए, बुलाइए तो आ जाएंगे, और बुलाइए वेल इन टाइम बुलाइए, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस। आई एम हियर इन नॉर्थ अमेरिका फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो एवरी समर आने से पहले पूरा स्केड्यूल हो जाता है। प्रभु की कृपा हुई माता जी, और इस समय हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रिय स्वजनों, सात दिन की कथा, उसमें क्रम ऐसा है, हमारी परंपरा ऐसी है कि पहले दिन महात्म्य की कथा होती है। महात्म्य लिटरली मीन्स इंपॉर्टेंस। हमारे ऋषि बहुत बड़े सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, वे जानते थे कि कोई भी वस्तु आप किसी को दो तो उससे पहले उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। यदि हम महत्व नहीं जानते, इफ यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, हमारी रिसेप्टिविटी नहीं रहती। सभी बातों टू इंक्रीज अवर रिसेप्टिविटी टू नो द नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। कई बार मैं मजाक में दृष्टांत देता हूं कि न्यूयॉर्क से समझ लीजिए मैं राले आया एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए, मनोज भाई, हमारे हिमांशु भाई, बहना तेजल कहाँ गई? हाँ सामने, वेरी गुड, बहना तेजल और शुभना बहन भी थी कदाच, हाँ तो ये सब आए। दुशांत के रूप में देता हूं, तो मेरे तो हाथ में बुके थमा देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि कुछ पीछे होगी, थोड़ा मुझे आश्चर्य लगेगा कि आप मुझे रिसीव करने आए हो और पीछे क्या देख रहे हो। तो मैं कहूं भाई पीछे क्या देख रहे हो आप? नहीं नहीं वो बहुत बड़े आदमी है। बड़े आदमी कौन? वो ब्लू शर्ट पे जो दिखाई पड़ते हैं। हाँ वो बड़े आदमी, हाँ अरे हमारे राले में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, 20-25 तो इनकी होटल्स हैं, दूसरे भी सब बिजनेस हैं, स्टोर्स हैं, गोडाउन्स हैं, लैंड प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे होंगे। ओ ही हैज सो मेनी बिजनेसेस, ही इज सच अ बिग पर्सन। तो फिर मैं भी देखूंगा जरा कौन दैट जेंटलमैन विच ब्लू स्ट्राइप शर्ट। हाँ अरे हिमांशु भाई पहले बता देना, क्यों नहीं फ्लाइट में मेरे बाजू में ही बैठे थे, और न्यूयॉर्क से राले तक की फ्लाइट में बीच वाले हैंडल पर हाथ रखने के लिए 5 बार उनको ऐसा किया था मैंने। पहले से यदि पता होता कि इतने बड़े आदमी हैं, 1.5 घंटे की फ्लाइट में, तो कितना अच्छा परिचय कर लेता उनके साथ। अगले साल हिंदू सोसाइटी की कथा में मुख्य यजमान बनके डोनर बने, वैसी व्यवस्था में कर देता।
बता अपने प्रिय सज्जन, तो वही था। जब इंपॉर्टेंस पता नहीं था तो क्या किया, नहीं मान, और यदि उसका महत्व चिंता तो कोई अच्छा काम करते उनके साथ। बस यही होती ही बात। 7 दिन हम कथा श्रवण करेंगे लेकिन व्हाई आर वी डूइंग इट, ये इंपॉर्टेंस तो पता होना चाहिए, अन्यथा क्या होता है, लोग कहते हैं अरे हमने तो बहुत भागवत की कथाएं सुन डाली। सुन हां भाई, ये सुन के डालना नहीं है, सांभरी ने नाखी नहीं देवा, यू हैव टू प्रिजर्व इट, क्योंकि ये शास्त्र ऐसा है। प्रिय सुजन, मनोज भाई ने मुझे बताया कि हाँ एजुकेटेड प्रोफेशनल्स बहुत है, क्योंकि एयरपोर्ट पर निकलते समय मैंने देखा वहां रिसर्च ट्रायंगल, तो मैंने पूछा कि रिसर्च ट्रायंगल क्या है, मनोज भाई ने बताया कि यहां पर डॉक्टर्स साइंटिस्ट और फिर उसके साथ में जो एंसिलियरी प्रोफेशंस होते हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आज से 25-30 वर्ष पहले समाज में एक प्रकार की शांति थी। शांति ये थी कि बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। फादर अपने सन से कहे कि बेटा ऑफिस जाने से पहले मंदिर में दर्शन करते जाना, सन वुड से यस डैडी, आपने कह दिया हो जाएगा, यस पापा, डैडी उस समय नहीं हुआ करते थे, पापा हुआ करते थे। मदर अपनी डॉटर से कहे बेटा 2 दिन के बाद एकादशी है, उपवास करना है, हां मां, आपने कहा हो जाएगा, कर लेती थी। सास अपनी बहू से कहे बेटा शाम के समय रोज भगवान के मंदिर में दिया प्रज्वलित कर देना, हां मां जी हो जाएगा। बड़े जो कहते थे तुरंत काम हो जाता था छोटों के द्वारा, बड़ी शांति थी समाज में। अब पिछले 25-30-35 वर्षों से क्या हुआ, एजुकेशन बहुत बढ़ गया, अच्छी भेंट हुई, सब लोग पूछ वाले हो गए, BA, BCOM, BSc, MBA, BBA, MBBS, न जाने क्या क्या डिग्रियां, कोई विदाउट डिग्री तो होता ही नहीं, सबके पीछे डिग्रियां लगी हुई। अच्छा हुआ एजुकेशन बढ़ा, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड बढ़ा, संपूर्ण विश्व में कहीं कुछ हो रहा तो विद इन हाफ एन आवर ब्रेकिंग न्यूज करके आ जाता है, अच्छी बातें हुई। लेकिन उसके साथ में एक समस्या आई, प्रश्न बहुत बढ़ गए। आज का कोई पिता यदि अपने पुत्र से कहे कि ऑफिस जाने से पहले भगवान के मंदिर में जाओ, तो बेटा तुरंत पूछता है व्हाई, टेम्पल इज आउट ऑफ द वे, आई हैव टू टेक अ डिटूर, एंड समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन एविएशन ड्राइव, एम आई राइट? ओके, इससे तो बेहतर मैं ऑफिस में समय पर पहुंच जाऊं, बिजनेस में तुरंत समय पर पहुंच जाऊं, शार्प एट 9, तो स्टाफ के भी असर पड़ेगा कि बॉस समय पर आते हैं तो हमें भी आना चाहिए। और रही बात मंदिर जाने की, तो पूरे दिन का कामकाज समाप्त करके निपटा करके व्हाइल आई एम रिटर्निंग होम उस समय मंदिर में चला जाऊंगा, भगवान तो बैठे ही है ना, भगवान तो खड़े ही है, भगवान को क्या काम है, और इज ऑलवेज देयर फॉर अस, we are busy, he is not. Why do you insist that I should visit the temple in the morning? Why? आज की कोई मदर अपनी डॉटर से कहे कि एकादशी का उपवास करो, व्रत रखो, डॉटर तुरंत पूछेगी why? I don't like साबुदाना. डाइटिंग करेगी, उपवास नहीं करेगी, डाइट चार्ट को रिलीजियसली फॉलो करेगी, और उसको उपवास करने के लिए कहा जाए तो व्हाई? आज की कोई मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ से कहे कि शाम के समय भगवान के मंदिर में दिया प्रज्वलित कर दो, डॉटर इन लॉ कहती है शाम को मैं घर पे रहूं तब ना, आई एम नेवर होम एट द टाइम, एंड व्हाई डू यू इंसिस्ट?
कैपिटल W, कैपिटल H, कैपिटल Y, ये आज के युग का प्रश्न है। सभी बातों के लिए यंग जनरेशन प्रश्न पूछती है, वाई वाई वाई, तिलक करो वाई, आरती उतारो वाई, मंदिर में जाओ वाई, सदग्रंथों का अध्ययन करो वाई, उपवास करो वाई, तीर्थ यात्रा करने जाओ वाई, संतों की सेवा करो वाई, कथा श्रवण करने आओ वाई। धर्म में तो खास वाय, बाकी दूसरी जगहों पे जाएंगे तो वाय नहीं पूछ। ऐसी कई बातें हैं, दे जस्ट डू इट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। लेकिन इन द फील्ड ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वाइज, वाय वाय। हुआ क्या है, अभी जो 50+ हुए हैं, उन्होंने अपने बड़ों ने जो की कहा वो किया, दे हार्डली आस्क क्वेश्चंस, और जो कुछ क्वेश्चन पूछने गए तो उनको उत्तर नहीं मिलता था। यदि धर्म के बारे में प्रश्न पूछने गए तो तुरंत उस समय उनको डांटा जा रहा था, धर्म के बारे में सवाल पूछते हो, हम जो कहते हैं वो करो, कर दिया। और कुछ लोग रिवोल्यूशनरी से रिबेल थे उस समय, आज से 40 साल पहले, उन्होंने कहा कि नहीं हमें समझाओ नहीं तो हम नहीं करेंगे, तो उनको तो डरा दिया गया, हम जो कह रहे हैं वो नहीं करोगे तो पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। डर गए, नरक में जाने से तो बेहतर है मंदिर में ही चले जाओ। लेकिन अब जो जनरेशन आई है प्रिय स्वजनों, वो अलग है। ये जनरेशन को यदि आप डर दिखाओ पाप लगेगा तो वो तुरंत कहते हैं हु केयर्स, नरक में जाना पड़ेगा तो तुरंत सामने जवाब देते हैं ये जो है वो कम है। सर आल्डस हक्सली ने कहा था प्रोबेबली दिस प्लैनेट अर्थ इज अ हेल ऑफ सम अदर प्लैनेट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा ऐसा प्लैनेट हो जहां पर ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के रूप में हमारा जन्म हुआ हो और वहां पर पाप इकट्ठे किए तो उसकी सजा पाने के लिए कहा गया जाओ पृथ्वी पर। पाप का डर नहीं चलता है, शाप का डर नहीं चलता है, नरक का डर नहीं चलता, दूसरी तरफ पुण्य की लालच दोगे तो भी नहीं चलता, स्वर्ग की लालच दिखाओ वो भी नहीं चलता। अभी जो धर्म देना है वो साइंटिफिकली, लॉजिकली, रैशनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अप्लाइड एस्पेक्ट वाला रिजल्ट ओरिएंटेड धर्म चाहिए। आज की जनरेशन तो कहती है कि हम जो भी करें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। प्रिय स्वजनों, ये ग्रंथ जो आपके सम्मुख है श्रीमद् भागवत, उसका अध्ययन ये सारे उत्तर देता है। इट एक्सप्लेन्स अवर सनातन वैदिक कल्चर लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली, इन अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, एंड ऐसे ऐसे अनुष्ठान है इसमें कि आप करो और तुरंत परिणाम प्राप्त, रिजल्ट ओरिएंटेड। पुट इनटू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। ऐसे ये दिव्य ग्रंथ नंबर्स में जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए कहूं प्रिय स्वजनों, एक सर्वे किया गया और ये सर्वे केवल भारत में केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं था, सभी धर्मों में पूरे विश्व में सर्वे किया गया कि वो कौन सा स्क्रिप्चर है, कौन सा ग्रंथ है जो सबसे अधिक लंबे समय से, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रीड इट, हियर इट, स्टडी इट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बार बार। पूरे विश्व के सभी ग्रंथों का, सभी धर्मों का ये रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया, और बड़े गौरव के साथ मैं कहता हूं प्रिय स्वजनों, जो ग्रंथ पहले नंबर पर आया वो है श्रीमद् भागवत। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड रेड, स्टडीड, हर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बार बार। ये तो कई बार सामान्य कोई पुस्तक हो, पढ़े लिखे लोग, एक बार पढ़ लिया हो गया,
Now I know about it. लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, श्लोक आएगा मैं बताऊंगा आपको, मुहुर मुहुर बारंबार, और जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार इसके बारे में सोच चिंतन करोगे, नए नए अर्थ प्राप्त होते रहेंगे। बेसिक स्टोरी लाइन तो वही होती है, उसमें तो कोई बदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन द इंटरप्रिटेशन वो इतना नया होता है। एवरी टाइम यू लिसन टू द कथा इट विल बी समथिंग न्यू। और मैं तो कहूं यही कथा, जैसा मैंने कहा पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पे है, ये कथा तो 7 दिन आप एकाग्रता से, शांति से, डिसिप्लिन से सुनोगे, कथा पूरी होने के बाद इफ यू वॉन्ट टू रिलीव दिस एक्सपीरियंस, आप ये पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पे जाकर पढ़ोगे, सुनोगे फिर से, आई अश्योर यू कई बातें ऐसी होगी ये 7 दिन आपकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब आप बाद में देखोगे तो आपको कुछ नए अर्थ प्राप्त होंगे। इट यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट इन अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये कथा का गौरव है, ये शास्त्र का गौरव है। इस भूमिका के साथ प्रिय स्वजनों, आइए हम महात्म्य में प्रवेश करें। महात्म्य में अब देखिए, श्रीमद् भागवत का महात्म्य कौन बताएगा? हमारे यहां ऐसा कहा जाता है कि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, अ ज्वेल इटसेल्फ विल नॉट डिस्क्राइब इट्स ओन वैल्यू। वो तो कोई जौहरी चाहिए ना, कोई ज्वेलर चाहिए जो इस ज्वेल की वैल्यू बताए। पद्म पुराण में हमें ऐसा ज्वेलर मिला है जिसने 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया। उसमें पहले अध्याय का पहला श्लोक मंगलाचरण है, जिन लोगों के पास पुस्तक है उनमें पेज नंबर 109 गुजराती मां और पेज नंबर 110 इन इंग्लिश द फर्स्ट वर्स। ये जो प्रकरण है स्तुति श्लोक स्मरण, श्रीमद् भागवत के कुछ चुनिंदा श्लोक अनुष्ठान इसमें समाहित है। पहला श्लोक एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। मनोज भाई कैन आई रिक्वेस्ट यू, आई वॉन्ट अ ट्रेडिशनल माइक, ये इसमें कुछ गड़बड़ है। आप नहीं नहीं वो तो स्टैंड पे लगाना पड़ेगा ना, आप कुछ या प्लीज विल कंटिन्यू। एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। मनोज भाई आई वुड प्रीफर द वायर्ड वन आल्सो इंस्टेड ऑफ दिस, टेक योर टाइम, नथिंग, नो हरी। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे विश्वोत्पत्यादि हेतवे दो वर्ष पहले माताजी जब फेटविल आई थी कथा श्रवण करने के लिए और फिर मेरे साथ में बात की, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे राले के जो डिवोटीज है ना, वो इतने इंटरेस्ट से कथा का श्रवण करते हैं, और जब आप श्लोक बुलाओगे, धुन बुलाओगे, तो इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं वो लोग, ऐसा माता जी ने मुझे कहा था। सच्चिदानंद रूपाय इज़न्ट दैट बेटर, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय त्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलाचरण है ये महात्म्य का। मंगलाचरण शब्द भी समझने जैसा है। मंगल आचरण, मंगलाचरण, मंगल ऑस्पिशियस, मंगल होली, मंगल कल्याणकारी, आचरण बिहेवियर प्रैक्टिस। मने हो आपड़ी क्यों फुर्ती बोलता बराबर छे ने। सुरती लोगों का ऐसा है कि बोल देंगे ना, फिर हम कहेंगे कि ये कैसा क्यों बोला, ये अपशब्द होता है, ये बुरा शब्द है। अच्छा बोलो तो ना, बोला है ना चाइला करे, अरे हूं चाइला करे। सात दिन के लिए वाणी पवित्र होनी चाहिए। और वाणी पवित्र कब होगी प्रिय स्वजनों? विचार पवित्र होंगे। संकल्प हम करें सात दिन तक हमारे मन के विचार पवित्र रखने हैं। अभी तक हमने जो सोचा, मन में विचार तो चलते ही रहते हैं, और उसका परिणाम हमारा जीवन क्या है ये हम जानते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए प्रिय स्वजनों तय करो, ये सात दिन मुझे अच्छे ही विचार करने हैं। आई वॉन्ट टू थिंक गुड थिंग्स, पवित्र विचार मुझे करने हैं। और देखिए सात दिन में जीवन का कैसा रूपांतरण होता है। क्रोधनः शौच परः सततम् ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य शब्द तो प्रचलित है, लोगों ने उसका केवल एक ही अर्थ किया, स्त्री पुरुष संबंधों से दूर रहना। The meaning of brahmacharya is not limited only up to man-woman relationship. ये तो शास्त्र की बात है। ब्रह्मचर्य, according to Sanskrit grammar, ब्रह्म में जो विचरण करता है, whose contemplation is always about the supreme, वो ब्रह्मचारी। सात दिन तक हम ये प्रयत्न करेंगे, हो सके उतना ब्रह्म का विचार, सुप्रीम ईश्वर का विचार। ब्रह्मचर्य सरतम ब्रह्मचारिण अदुष्ट भाषण संतु, आज से शुरू करके सात दिन तक दुष्ट भाषण नहीं करना है। दुष्ट भाषण अर्थात किसी के हृदय को दुख पहुंचे, किसी के दिल को दुख पहुंचे, ऐसे शब्द। कुछ गलत हुआ, कुछ नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। सॉफ्टली कहो, जो भी कहना हो सॉफ्टली कहो, दुष्ट भाषण नहीं। हमारे यहां पर कहा गया, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेषु किं दरिद्रता। एवरीबडी लाइक्स टू लिसन टू स्वीट थिंग्स। किसी को बुरे शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता, किसी को इंसल्टिंग सुनना अच्छा नहीं लगता। अब कोई व्यक्ति भूल कर रहा हो तो अवश्य उसका ध्यान खींचिए, लेकिन स्वीटली, in a decent manner. What are you doing? Don't you know this is not done? उससे सामने वाले पर फर्क पड़ेगा, वो तो दूसरे नंबर की बात है। हमारे अपने मन को शांति रहेगी, वो बड़ा फायदा। मां संतो परनिंदकः, अगला नियम, सात दिन तक हमें किसी की निंदा नहीं करनी। ये भी बड़ा सवाल है, हम कहां करते हैं गॉसिपिंग। अब बहनों को जरा समस्या आएगी, गुरु जी ये क्या कह रहे हो आप, निंदा नहीं करनी है। उत्साह में जो तीन साढ़े तीन घंटे आप यू एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम अस, यू आर राइट। हम लोग शांति से बैठ करके अनुशासन से कथा श्रवण करें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कथा से पहले, कथा के बाद में, प्रसाद लेते समय, निकलते समय पार्किंग लॉट में,
जो सोशल मीटिंग्स होती है ना, या तो फिर इतना बड़ा प्रसंग है राले में तो हमने हमारे रिलेटिव्स को बुला के रखा है, वो सब आए हैं यहाँ पर, घर में उनके साथ बैठे हो और ये सब के साथ आप कहते हो निंदा न करो, तो फिर हम बातें क्या करें, क्योंकि कोई टॉपिक ही नहीं मिलता। ये वापस कम किया, प्लीज डोंट रिड्यूस द वॉल्यूम, प्लीज डोंट चेंज इट। ओम ओम नमो भगवते वासुदेव। यस दिस इज राइट। वेंकी आप बाहर आ जाइए ना, अभी कुछ जरूरत नहीं है वहां अंदर, प्लीज बाहर आ जाइए। आई वुड लव यू, लव टू सिट यू हियर। क्योंकि क्या है, हिंदू के हाथ होते हैं ना, अपना मुख केवल हिंदू ना हाथ अखड़ा न रहे। बिचारा त्या कैबिन में बैठा हुआ, बीजू कहीं करवा जेवू छे नहीं, एटले पछी फेरो फेरो करा करे। प्लीज लीव दिस, ऐसे ही रखो, कुछ बदलो नहीं। थैंक यू, थैंक यू। यस क्या कह रहा था मैं? हाँ, जो केव सरस रीते कीधु के भाई आवीन कथा सांभळो ने तमे, तो निंदा नहीं करनी है किसी। होता क्या है कि दो लोग यदि मिले तो तीसरे की ही बात करते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, जब हम कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तो हम अपनी बात करें ना, तीसरे की बात क्यों करते हैं? और तीसरे की यदि करनी है तो गुण दर्शन करना, दोष दर्शन मत करना। उसमें अच्छा क्या है? मैं तो लोगों की चर्चा यही होती है, कथा में कौन आया था, कौन नहीं आया, कौन लेट आया, कौन प्रसाद लेकर के चला गया, किसने क्या पहना था। करें वो जो करना है दूसरों को, हम उसके गुण दर्शन करें। मां संतो परनिंदका। और ये सारे नियम प्रिय स्वजनों, शास्त्रकार कितने स्पष्ट हैं, देखिए, ममापि नियमा ये थे। श्रोता के रूप में आपको तो इन नियमों का पालन करना है, वक्ता के रूप में मुझे भी इन नियमों का पालन करना है। तो श्रोता के रूप में विशेष करके जो मनोरथी परिवार है, श्रीमानकर परिवार, मेहता परिवार, आयोजक, आप सभी श्रोता, वक्ता के रूप में मैं इन नियमों का पालन करूं, वॉलंटियर्स जितने भी हमारे हैं, वंडरफुल टीम ऑफ वॉलंटियर्स, वो सभी नियमों का पालन करें, जो सेवा भी देते हैं, जैसे संगीत की सेवा, यहां पर सारे म्यूजिशियंस को लाना, वीजा के इश्यूज और सारे होते हैं, तो जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग करके आता हूं वहां, भारत में तो संगीतकार की टीम होती है मेरे साथ में, लेकिन ये सेवा यहाँ पर हमारे आदरणीय मनोज भाई, बेटा सौगात, ही हैज डिसाइडेड कि 7 दिन कर बैठ कर वो ही इज गोइंग टू मैनेज दिस। तो सौगात, सौगात ये वो भी नियमों का पालन है। सौगात, आर यू गोइंग टू फॉलो दिस रूल्स, राइट? ओके। हमारे अतुल भाई जोशी जो भारत से साथ में आए हैं, वीडियोग्राफी, मीडिया, आप लोग तो सामने बैठकर श्रवण कर रहे हो, लेकिन इस वक्त विश्व पूरा लाइव टेलीकास्ट में यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई पर इसका दर्शन कर रहा है। और ये चैनल की लिंक आप लोगों से भेजोगे ना, देखो ये बुक में लास्ट पेज पर है, पूज्य श्री भाई, इसकी फोटो लेकर भी आपके रिलेटिव्स को जहां पर हो दुनिया भर में उनको भेज दो, दे विल बी एबल टू वॉच यू लाइव। कथा में ऐसा होता है, मुझे लोग बताते हैं ये, कि जब वो लाइव देखेंगे ना, फिर कथा में आप पे भी कैमरा आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, तो वो कैमरा आएगा, वो लोग उसका स्क्रीन शॉट लेके आपको भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, वी सॉ यू इन द कथा। संकीर्तन भी आएगा, उसमें आप लोग नर्तन भक्ति भी करोगे, तो उसमें भी आपकी फोटो लेकर आपको भेजेंगे कि वी सॉ यू, यू आर डांसिंग सो वेल,
ये सब लोग मुझे बताते हैं, मेरी स्क्रीनशॉट लेके कोई नहीं भेजता, वो बात अलग है। अतुल भाई, ये सभी लोग प्रिय स्वजनों, ये लिटरेचर के लिए, ये पुस्तक आप तक पहुंचे, इसके लिए जो सेवा देने वाले वॉलंटियर्स, में धीरे धीरे जानते जाऊंगा सबका नाम क्या है, मनोज भाई है, अपने हिमांशु भाई, ये सब मुझे बताते रहेंगे। तो हम सब ये नियमों का पालन करेंगे। जितने लोग निश्चय करते हो कि हो सके उतना हम ये पूरे नियमों का, मंगलाचरण का पालन करने का प्रयास करेंगे, जरा हाथ ऊपर करोगे प्लीज। बहुत सारे लोगों ने, मनोज भाई ने तो दोनों हाथ ऊपर किए, नंदिनी विल बी सो हैप्पी कि मनोज ने दोनों हाथ ऊपर किए। हम सभी ये नियमों का पालन करेंगे, 7 दिन का हमारा ये उत्सव बहुत सुंदर रूप से निभाएंगे। तो जो श्लोक का हमने उच्चार किया प्रिय स्वजनों, जिनके पास पुस्तक हो देखें, एक एक शब्द का अर्थ है। पिन नंबर 109 गुजराती में और 110 इंग्लिश में। सच्चिदानंद रूपाय, एक बात याद रखिए, श्रीमद् भागवत की कथा हमें स्वयं भागवत बनाने के लिए है। भागवत शब्द का अर्थ भी समझना चाहिए। संस्कृत में भागवत शब्द का अर्थ होता है दैट विच बिलोंग्स टू गॉड, भगवांश्च भगवतः, भगवान जो भगवान का है। भगवताम इदम भागवतम, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी विभूति, जो भगवान का है वो भागवत है। अभी तक हम किसके हैं हम जानते हैं, आने वाले 7 दिनों में हम प्रयास करेंगे कि हम भगवान के बने, हमारा भगवान से परिचय हो। और भगवान से परिचय कैसे होगा, हम प्रभु को जानना चाहते हैं। परिचय कैसा होता है, परिचय के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो परिचय होता है वो अपीयरेंस का होता है, स्वरूप का परिचय। कोई भी व्यक्ति, आप इतनी शांति से श्रवण कर रहे हो, समझिए कोई स्टेज पर आया, तो जैसे ही स्टेज पर आएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस अबाउट दैट पर्सन, द अपीयरेंस, कैसे दिखते हैं, इनका रूप क्या है, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ऊंचे हैं, शॉर्ट हैं, स्वरूप। तो परमात्मा का स्वरूप, प्रभु का परिचय हमें पाना है। प्रभु का परिचय कैसे होगा, पहला स्वरूप, प्रभु का स्वरूप क्या है, तो पहले चरण में कहा सच्चिदानंद रूपाय, ये प्रभु का स्वरूप है, सत चित और आनंद रूप। सत का अर्थ है शाश्वत, इटर्नल। प्रिय स्वजनों, ये संसार असत है, आपने बार बार ये सुना होगा प्रवचनों में, सब जगह संसार असत है, संसार असत है। और संसार असत है का फिर लोगों ने ट्रांसलेशन कर दिया, सत को जोड़ा सत्य के साथ और असत को जोड़ा असत्य के साथ, संसार असत है, ऐसा संसार जुटा है, ये भूल हुई। संसार असत है का अर्थ संसार जूठा नहीं है, संसार असत है का अर्थ वेदांत की दृष्टि से कहें तो संसार इज नॉट परमानेंट। सत का अर्थ है शाश्वत, इटर्नल। असत दैट विच इज नॉट इटर्नल, दैट विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, संसार का ये स्वभाव है। और संसार से जुड़ी हुई जितनी भी बातें उसका यह स्वभाव है, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द वन इज नेवर कंसिस्टेंट, द ओनली कंसिस्टेंसी अबाउट दिस वर्ल्ड इज दैट इट इज कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, वो निरंतर बदलते रहे। परिवर्तन ये संसार का नियम है, इसलिए आप कहते हो, कल मुझे एयरपोर्ट से घर ले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो एविएशन ड्राइव है गुरुजी, दोनों तरफ आप जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हो, जो मकान, ये पूरे कोविड और पोस्ट कोविड में पिछले 2-3 वर्षों का डेवलपमेंट है, नहीं तो ये पूरा रोड खाली हुआ करता था, ग्रीनरी थी।
देखिए तीन चार वर्षों में एविएशन ड्राइव बदल गई। बरसों से जो ये कहा होंगे, अरे आप तो गुरु जी एविएशन ड्राइव की बात करते हैं, राले कितना बदल गया हम जानते हैं। मैं कहूंगा पिछले 30 वर्षों में अमेरिका कितना बदल गया मैं जानता हूं। 90s में जो मैं आता था, फिर वेरी अनफॉर्चुनेट 9/11 की जो घटना हुई, उसके बाद में धीरे 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 जो बदलता गया, आप लोग तो यहां रहते हैं अधिम जान पे। कल महिला तेजल जब मुझे रिसीव करने आई राइट ऑन द एरोब्रिज, तो मैंने कहा इट फील्स सो गुड, क्योंकि पहले हम जब आते थे तो लोग एरो ब्रिज तक लेने के लिए आते थे, मुंह के तेजल पानी की बोतल लेके आई थी। प्लेन में से बाहर निकलो और वहां रिसीव करने आते, अब वहां तक नहीं जा सकते, सिक्योरिटी में कितना बढ़ गया। मैंने देखा है अमेरिका को बदलते हुए, पूरी दुनिया को बदलते हुए। ये तो फिर भी बाहर है, इंसान बदल जाते हैं। हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति 10 साल पहले जैसा था ऐसा आज नहीं रहा, आइदर फॉर गुड और फॉर वर्स, लेकिन व्यक्ति बदलते रहते हैं। ये संसार का नियम है, सब कुछ बदलेगा। तो भगवान कैसे हैं? भगवान नहीं बदलते, सत है, शाश्वत है, इटर्नल है। अब भगवान के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि 50 साल पहले भगवान जरा अलग थे और अब भगवान भी जरा, यू कैन से दैट। शाश्वत सत। चित्त का अर्थ है चैतन्य, अवेयरनेस, जागृति। संसार पूरा सोया पड़ा है, संसार बेहोशी में है। आंखें खुली है तो उसका अर्थ ये मत समझना कि हम जाग रहे हैं। कई लोगों को खुली आंखों से सोने की आदत होती है, साइकोलॉजी में वो एक बीमारी मानी गई। कुछ लोग नींद में होते हैं, देन दे आर इन साउंड स्लीप, दे एक्चुअली गेट अप, चेंज क्लोथ्स, ड्राइव करने निकलेंगे, 20 माइल का चक्कर लगा के आएंगे और वापस आके सो जाएंगे। सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करने जाएंगे, देखेंगे गैस कम हो गया, अरे कल तो था, चक्कर मार के आया बड़ा। ये बीमारी होती है। ईश्वर जागृत है, अवेयरनेस। ये क्या होती है? शाश्वत क्या होता है, अवेयरनेस क्या होती है, इसके बारे में हम सोचेंगे आने वाले दिनों में, ग्रंथ के आधार पर। और आनंद, परमात्मा का स्वरूप है आनंद। सुख की कुछ झलक हमें पता है, we have glimpses of happiness in our life, but do we experience bliss, आनंद? याद रखना, सुख के लिए बाहर की कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आनंद के लिए कोई वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, आनंद तो भीतर से आता है। For happiness you are dependent on external situation, ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल। ब्लिस इज एन इनर एक्सपीरियंस। परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, ये परमात्मा का स्वरूप हुआ। परिचय का दूसरा स्टेप सामर्थ्य, जो दृष्टांत मैंने दिया था आगे चलाऊं। यहां कोई व्यक्ति आके खड़ा रहा, स्वरूप आपने देखा, स्वरूप पता चल गया, चलो कैसे है। परिचय आगे कैसे बढ़ेगा? आप तुरंत पूछोगे, दिखते तो अच्छे हैं, करते क्या है? What is this profession? भगवान के बारे में, भगवान का स्वरूप पता चला, सच्चिदानंद रूपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान करते क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है? तो दूसरे चरण में कहा, विश्वोत्पत्यादि हेतवे। ये परमात्मा का सामर्थ्य है। परमात्मा, अब विश्वोत्पत्यादि है तवे, संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से इसके दो रूप में अर्थगठन हो सकता है। एक विश्वोत्पत्ति आदि है तवे और विश्वोत्पत्यादि है तवे। करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति स्थिति लाए, क्रिएशन,
सस्टेनेंस एंड रिक्रिएशन। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम जानते हैं ना ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी क्या करते हैं, बी लिटिल लाउडर, आप लोग कहते हैं संहार करते हैं, कभी मत बोलना ये। संहार में एक डिस्ट्रक्शन का टोन आता है। भगवान शिव जी जो हम संहार को कहेंगे डिस्ट्रक्शन, नेगेटिव टोन आता है। भगवान शिव जी को फिर लोगों ने ऐसा ही बताया, वो तो सब खत्म करते हैं, नहीं, संहार इसलिए करते हैं ताकि विसर्ग उसका नया सर्जन हो सके। इंग्लिश में खास करके जो इंग्लिश बुक्स आते हैं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन क्या होता है, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द सस्टेनर, शिवी द डिस्ट्रॉयर। और इसको संस्कृत में संहार शब्द की व्युत्पत्ति पता नहीं है, एटिमोलॉजिकली सम्यक हारयति, वो संहार हरती, लेकिन सम्यक अच्छी तरह से करते हैं और उसका आगे भविष्य भी अच्छा हो इसलिए करते हैं संहरण। लेकिन डिस्ट्रक्शन में वो शब्द वो अर्थ नहीं आता। इससे मैं कहता हूं शिव जी विसर्जन करते हैं ताकि पुनर्सर्जन हो सके। भगवान गणपति को हम भाद्रपद चतुर्थी के दिन बुलाते हैं, मुझे बताया कि यहां भी बहुत अच्छा उत्सव करते हो आप लोग गणेश जी का 10 दिन तक। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी आते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन जब भगवान गणेश जी को विदाई देते हैं ना, तो सर वी डोंट डिस्ट्रॉय द आइडल ऑफ गणेश जी, क्या कहते हैं, विसर्जन करते। और विसर्जन करते समय भगवान गणेश जी को हम कहते हैं गणपति बाप्पा पूर्च्या वर्षी लौकरिया, कम सून नेक्स्ट ईयर, जल्दी आना आप अगले साल। शिवजी विसर्जन, किसी का भी नया सर्जन करना हो तो उसके लिए जो अभी फॉर्म है उसको बदलना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू चेंज द प्रेजेंट फॉर्म। मैं दृष्टांत दूं, आम की गुठली मैंगो सीड, उसको आपने एक तो है डिस्ट्रक्शन क्या होता है, उसको फेंक दो, गार्बेज कर दो, या उसको आप क्रशर में डाल दो, ग्रर करके खत्म हो गई, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन। लेकिन उस गुठली को आप आपके बैकयार्ड में डालो, जमीन में उसको फर्टिलाइजर दो, पानी दो, अच्छी वेदर मिलती रहे, तो गुठली में से रूट निकलेगा, जर्मिनेट होकर ऊपर प्लांट आएगा, वो प्लांट बड़ा होगा, मैंगो ट्री बनेगा। अब यदि आप रूट में देखने जाओ तो वो गुठली है नहीं, डिस्ट्रॉय हो गई। सी द गुठली इज नो मोर, द सीड इज नो मोर, बट यू वोंट से इट इज डिस्ट्रॉयड। उसका क्या हुआ, उसमें से पूरा सर्जन हुआ, रिक्रिएशन हुआ। अरे बाकी बात छोड़ो, आप रोटी भी बनानी हो तो गेहूं तो नहीं खा सकते, गेहूं के दाने हो उसको पीसना पड़ता है, तो दाना का डिस्ट्रक्शन हो गया ना, दाना नहीं रहा लेकिन वो आटा बन गया। आटे को गूंद के फिर उसको आप शेप देके गोल बनाओगे, उसको भट्टी पे गरम करोगे स्टोव पे, तो रोटी बनी। अब गेहूं तो गया ना, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया नहीं, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये संसार में प्रिय स्वजनों बात जब आएगी चतुश्लोकी भागवत में बताऊंगा, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म होता है सब कुछ। तो शिव जी ये ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, रिक्रिएटर हैं। और विश्वोत्पत्ति आदि हे तवे का दूसरा अर्थ, विश्वोत्पत्ति आदि हे तवे, ये विश्व की जो उत्पत्ति हुई उसके मूल कारण परमात्मा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट में यह सबसे बड़ा फर्क है। वेस्टर्न थिंकिंग ये कहता है कि द वर्ल्ड इज गोइंग फ्रॉम वर्स टू बेटरमेंट। सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, दे से इट वॉज एन एक्सीडेंट, बिग बैंग थियरी।
और हम क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। डार्विन की जो पूरी थियरी है इवोल्यूशन की, हम पढ़ते थे, हमको यही सिखाया गया है कि हम मनुष्य इवॉल्व होते होते आए और लास्ट क्या था इवोल्यूशन का स्टेज, कहां से हम बने मनुष्य, बोलो, डार्विन की थियरी स्कूल में पढ़े हो ना। हां, हमको यही सिखाया गया कि बंदर में से हम बने, और हमने वही रटा, वही एग्जाम में लिखा। अब पता चलता है कि डार्विन की थियरी में कितने फ्लॉज हैं। खुद साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि डार्विन की थियरी इज नॉट अल्टीमेट, देयर आर सो मेनी फ्लॉज इन इट। और मैं तो कई बार सवाल से कहता हूं कथा में कि शास्त्र की सुनो, डार्विन की सुनोगे तो बंदर से आए। मैं तो लॉजिकली प्रश्न पूछता हूं, कब आए? कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो मैन इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकी, होमो सेपियन बने। अच्छा, तो अभी के बंदर क्यों मनुष्य नहीं बनते? बस वो कुछ मिलियन इयर्स पहले बन गए, वो बन गए मनुष्य। अभी के भी तो बंदर बनने चाहिए ना, रोज 100-200 बंदर आने चाहिए फॉरेस्ट में से राले में, प्लीज अरेंज अपार्टमेंट्स फॉर अस एंटिल वी डोंट गेट अवर जॉब और एनीथिंग, अरेंज अवर सोशल सिक्योरिटी नंबर। आए कोई ऐसे बंदर देखे आपने? क्यों, जो मिलियन ईयर पहले हो गए वही हो गए, बाकी अब बंदरों ने इवॉल्व होना बंद कर दिया। इवोल्यूशन यदि होता तो इट शुड हैव बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब क्यों नहीं हो रहे बंदर में से मनुष्य? ये वेस्टर्न थॉट है कि पहले बुरा था अब अच्छा हो रहा है। सनातन वैदिक संस्कृति के ऋषियों ने कहा भगवान कौन है, विश्वोत्पत्ति आदि, ये सृष्टि की उत्पत्ति न तो एक्सीडेंट से हुई है न कोई भूल से हुई है, ये सृष्टि की उत्पत्ति के कारण भगवान है। ही इज द पर्पज, ही इज द क्रिएटर, और उसने अच्छे कारण के लिए कहा किया। और हमने लीनियर ग्रोथ नहीं माना, हमने सर्कुलर ग्रोथ माना, परमात्मा में से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है और घूम फिर के वापस परमात्मा में ही जाती है। विश्व ये प्रभु का सामर्थ्य है, और ये संसार में जो भी काम होते हैं ये तीन में से एक ही होगा ना, या तो समथिंग इज क्रिएटेड, या तो समथिंग दैट इज क्रिएटेड इज मेंटेन्ड, और या समथिंग इज रिक्रिएटेड। जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। तीसरे चरण में प्रभु परिचय आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, स्वरूप पता चला, सामर्थ्य पता चला, अब तीसरा प्रश्न आएगा अनुग्रह। वो व्यक्ति जो आए यहां पर बहुत अच्छे दिखते हैं, इज अ वेरी केपेबल पर्सन, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, उसके लिए उनके लिए वर्णन किया जाएगा, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े, और इतना ही नहीं, इंडिया में इतना डोनेशन करते हैं, वहां मेडिकल स्कूल्स हैं उनकी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अच्छा काम, हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी। मेरा नेफ्यू वहां पर है ना इंडिया में, उसको थोड़े से मार्क्स के लिए मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो करा देंगे अपना काम, इतना जरा फेवर करेंगे। वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करते वो कभी, वो तो जो लीगली जो होता हो, रूल्स से जो होता हो वही करते हैं, वट एवर इज प्रोसेस, लेकिन अपने लिए जरा देसी टू देसी नहीं करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते। ही डजंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रिंसिपल्स एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। छोड़ो ना, फिर बड़े आदमी होंगे तो उनके घर के, हमारे किस काम के। इफ द पर्सन इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल फॉर अस, द रिलेशन डज नॉट प्रोग्रेस। सही बात है ना, हमारे लिए कुछ करेंगे क्या? ईश्वर स्वरूप बहुत सुंदर है, ईश्वर का सामर्थ्य बड़ा है, हमारे लिए कुछ करेगा भगवान? अनुग्रह, इसको अनुग्रह कहते हैं, कृपा करते हैं, करेंगे हमारे लिए? हाँ करेंगे, अवश्य करेंगे। क्या करेंगे? तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश करते हैं। त्रिविध ताप कौन से? वेदांत में बताया आधि व्याधि उपाधि, ये त्रिविध ताप है। मैं उसका एक और अर्थ भी करता हूं,
तीन ताप क्या है? मनु ताप का अर्थ है क्लेश, जीवन में समस्याएं कष्ट पड़ता है वो क्यों होता है? तीन कारण है, आग्रह, आवेश और अहंकार। ये मनुष्य के कष्ट के कारण है तीन। संसार में या तो आप कुछ आग्रह रखोगे, यू इंसिस्ट ऑन समथिंग, ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, वो व्यक्ति दुखी होता है। भोजन में इतना ही नमक पड़ना चाहिए, इससे थोड़ा भी ज्यादा, इससे थोड़ा भी कम, ये दुखी होने का धंधा है कि नहीं? आग्रह है उस। दूसरा आवेश, इंस्टिगेट हो जाना, मतलब एकदम आक्रोश में आ जाना, इंपल्सिव हो जाना, ये दुख का कारण। और तीसरा अहंकार, ईगो। जितना व्यक्ति का मैं बड़ा, उतना वो व्यक्ति स्वयं दुखी और आसपास के लोग भी बेचारे दुखी इससे। इसके लिए करेगा सर, मैं मेरे लिए नहीं किया, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, मेरे लिए ही नहीं। He feels as if the whole world has to move around him. ये दुखी होता है। सुखी होना है ना प्रिय स्वजनों, तीन सिद्धांत समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक कथा में कुछ नई नई बातें भी आएगी, और नहीं तो हमारे डॉक्टर रमेश भाई तो इतने स्टूडियस हैं। 2 साल पहले कथा है सुनिए, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मेडिकल प्रोफेशन में तो उनका है, लेकिन बाकी सब बातों में इतना, वो कोई भी सब्जेक्ट में जाएंगे तो डीप में जाते हैं। गुरु जी फेटवेल में जो कहा था वही आप बोल रहे हो, तो उनको भी लगना चाहिए कि नहीं गुरु जी में भी कुछ ग्रोथ हो रहा है। ऐसे कई श्रोता मेरे ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, भागवत का ग्रंथ है गुजराती में, इंग्लिश में, यूट्यूब चैनल पे पढ़ते होंगे, टीवी पे आते हैं, माता जी कहती हैं कि देखती हैं चैनल पर, आस्था चैनल, संस्कार चैनल पे, ऐसे कई सब जगह पे आता। कई बार तो मुझे भी पता नहीं होता, अभी कुछ संस्कार चैनल पे कथा आ रही, वो माता जी आपने बताया ना मुझे कल, मुझे पता नहीं कि यूरोप में कथा चल रही है, कंफ्यूजन हो गया। 10 से 16 संस्कार चैनल पे, माता जी ने कहा आप तो यहां है, मैंने कहा मुझे पता नहीं, रखते होंगे वो लोग, चलते रहता है प्रभु की कृपा। लेकिन अनुग्रह होना, हाँ, तीन बातों का ध्यान रखिए, जीवन बहुत सुंदर होगा। अपने से गुजराती समझने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ ऊपर करोगे प्लीज। तो हिंदी में परसे हम कम पढ़ा हुआ, मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि यहां इतने बैठे हैं, दुनिया भर में तो सब हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन कुछ बातें, अब इतने सारे गुजराती लोग हैं तो कुछ बातें, कुछ दृष्टांत उसमें भी आएंगे। तीन बातों का प्रिय स्वजनों यदि ध्यान रखोगे, जीवन में कष्ट कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जोया करो, जतू करो, अने जाते करो, ये तीन सूत्र। कुछ बातों को जोया करो अर्थात देखते रहो बस, जस्ट बी अ विटनेस। यदि उसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो समस्या होगी। ये सारा विश्व प्रभु की लीला है, उसको देखते रहो, जोया कर। कुछ बातों जतु करो, लेट गो करना सीख जाओ। हाउ कैन यू डू दिस, जतु करो ना, जवाब हो यार। मनुष्य है, रमता रमता रड़ी पड़े भाई, मानस छे, रमता रमता लड़ी पड़े भाई, मानस छे, हंसता हंसता रड़ी पड़े भाई, मानस छे, मनुष्य है, होती है, छोड़ो जरा, जाने दो कुछ चीजों को। जोया करो, जतू करो,
तीसरी बात है जाते करो, कुछ बातें स्वयं कर लीजिए, अपेक्षा मत रखो कि ये आके मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगी, ऐसा मत रखो, जाते खुद कर लो। ये त्रिसूत्री कार्यक्रम जिसने जीवन में अपना लिया प्रिय स्वजनों, वो दुखी नहीं होगा। जोया करो, जतू करो, अने जाते करो, ये परमात्मा का अनुग्रह है। तापत्रय विनाशाय, भगवान क्या करते हैं, त्रिविध ताप का विनाश करते हैं। देखिए, नाश करने का प्रयास तो हम भी करते हैं, हमारा पूरा जीवन होता क्या है, अवर एंटायर लाइफ इज नथिंग बट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वी आर लाइक फायर फाइटर्स, यहां आग लगी वो बुझाओ, यहां आग लगी वो बुझाओ। जरा फ्लैशबैक करिए आपकी लाइफ में, रिवाइंड करिए क्या हुआ जीवन में, ये प्रॉब्लम आया, ये सॉल्व किया, दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, तीन दूसरे खड़े हुए, वो तीन में से दो सॉल्व किए, पांच खड़े हुए, तो पूरा जीवन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, फायर फाइटर्स यही किया, समस्याओं का नाश करना प्रयास किया, लेकिन समस्याएं तो जब आती रही, नहीं नहीं, भगवान क्या करते हैं, शब्द प्रयोग किया विनाश आया। श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक, एक एक शब्द महत्व, एक एक अक्षर महत्व, नाश और विनाश, विशेष रूपेण नाशयति इति विनाशय, विशेष रूप से करते हैं। कैसे, जैसे हम नाश करेंगे तो फिर से खड़े होंगे, प्रभु विनाश करता है। विनाश करना यह होता है कि दुख तो अपनी जगह पे बना रहे, आप दुखी नहीं होंगे। आप पूछोगे कैसे होगा, दुख की घटना बने, दुख के संजोग हो, फिर भी हम दुखी ना हो, नहीं, बताओ, आपके पास है वो समझदारी। विंटर में यहां तो थोड़ा कम होती होगी सीवियर विंटर, लेकिन अप नॉर्थ में जाओ तो बिलो जीरो फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्नो हो रहा, बोलो आप ठिठुर जाते हो, नहीं, आपको जब पता हो कि बाहर ठंडी है तो यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, स्वेटर पहन लो, शाल ओढ़ लो, घर में हीटर चला लो, हीट चला लो, परिस्थिति बाहर है बुरी, आप परेशान हुए, नहीं हुए, समर आया बाहर 90, 95, 100, क्या गर्म 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 हो जाएंगे, नहीं, टर्न ऑन एसी, हम ठंडे रहेंगे। शरीर के रूप में तो हमने ये सीख लिया है कि बाहर की परिस्थिति हो हम दुखी नहीं होंगे, बस अभी मेंटली इमोशनली इंटेलेक्चुअली हमें अपने आप को समझाना है, क्योंकि मेंटली यदि कुछ बाहर हो तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई जरा सा कुछ कह दे इतना बुरा मान जाते हैं, कोई जरा से ऐसी नजर से देखे तो हम बुरा मान, अब सामने वाले को पता भी ना हो लेकिन हम बुरा मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना, बुद्ध एक शहर में छोटे से गांव में प्रवचन कर रहे थे, सामने कुछ लोग श्रोता के रूप में बैठे थे, बहुत सुंदर रूप से बुद्ध के प्रवचन चल रहे हैं। अब याद रखना प्रिय सज्जनों, महापुरुषों के भी विरोधी होते हैं। जय हो, महापुरुषों के भी विरोधी होते हैं, दस में से आठ लोग प्रशंसा करेंगे तो दो लोग ऐसे निकलेंगे कि क्रिटिसाइज करने वाले, बुद्ध के भी थे। तो उस गांव में कुछ लोग बुद्ध के विरोधी थे, उन्होंने एक व्यक्ति को पैसे देकर के वहां भेजा कि जाओ बुद्ध को डिस्टर्ब कर दो, क्योंकि बुद्ध जितने शांत हैं, प्रसन्न हैं, वो डिस्टर्ब हो जाने चाहिए। वो व्यक्ति आया, कपड़ों का ठिकाना नहीं, बाल बिखरे हुए, नशे में था, और यहां बुद्ध जो प्रवचन करें वहां आकर के बुद्ध के सामने गालियां बकने लगा।
ना शराब गालियां मत मिले। बुद्ध शांत हो गए, कुछ भी नहीं बोले। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बुद्ध कुछ नहीं बोले। अब वो थक गए। मैं आपको एक युक्ति दे देता हूं प्लीज। कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और सामने आप कोई जवाब ही न दो तो वो क्रोध करने वाले को मजा ही नहीं आता है, उसका मजा खत्म हो जाता है। क्रोध का मजा कब आए कि वो एक शब्द बोले, आप सामने 3 बोलो वो 5 बोले, आप 10 बोलो वो 1 वाक्य बोले, आप 5 वाक्य बोलो वो 10 बोले, आप 25 बोलो और आधा घंटा जो आहा जलसो जलसो थी जाए। लेकिन एक व्यक्ति बोलता रहे और सामने वाला उत्तर ही ना दे तो बोलने वाले का बलून में से जैसे हवा निकलती है ना, ऐसे फू हो जाता है। तो वो गालियां देता रहा, बुद्ध कुछ नहीं बोले। सामने वाला परेशान हो गया, उसने कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बुद्ध कहते मेरी मर्जी, बोलना चाहूं तो बोलूं, ना बोलना चाहूं ना बोलूं। नहीं, लेकिन यदि तुम कुछ बोलोगे नहीं तो फिर मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी उसका क्या होगा? बुद्ध कहते वो मैं तुझे कह सकता हूं क्या होगा। कल मैं किसी दूसरे गांव में प्रवचन कर रहा था, वहां एक व्यक्ति मेरे सामने मिठाइयां लेकर आया, मैंने वो मिठाइयों का स्वीकार नहीं किया। तू ही बता वो मिठाइयों का क्या हुआ होगा? कहते क्या होगा, तुम्हारे लिए यदि कोई मिठाइयां लेकर आए और तुम उसका स्वीकार न करो तो जो मिठाई लेकर आया है वो वापस लेकर जाएगा। सही बात है ना। बुद्ध कहते हैं कल मैंने मिठाई का स्वीकार नहीं किया था, आज मैं तेरी गालियों का भी स्वीकार नहीं करता हूं। अब तू तय कर इसका क्या होगा। उठा वापस। लेने वाला व्यक्ति जो लेकर कुछ आता है वो अपने संस्कार का परिचय देता है। अब उसको स्वीकार करना न करना ये तो हमारे हाथ में है ना। कल बहना तेजल मुझे रिसीव करने के लिए आई फ्लाइट के ऊपर, चाहे तो वो गुलदस्ता लेके आ सकती थी। नहीं, मैं दृष्टांत आप में से ही दूंगा। वो आ सकती थी गुलदस्ता लेके, बट इट वॉज सो थॉटफुल ऑफ हर। जिस एयरपोर्ट से उसने पानी की बोतल ली वही एयरपोर्ट से फ्लावर भी मिलते होंगे। अरे घर से ले जाते हैं। शी न्यू दैट शी इज गोइंग टू रिसीव मी टुडे, आई मीन यस्टरडे, बट इट वॉज सो थॉटफुल ऑफ हर कि विमान से जब कोई व्यक्ति 1.5-2 घंटे की जर्नी करके आया है उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? गुलाब लेके सूंघते बैठता मैं तो तेजल सो नाइस ऑफ यू। नो, द पर्सन नीड्स वाटर। थैंक यू तेजल। तो उस तेजल ने क्या किया, उसने अपने संस्कार का परिचय दिया। वो जो लेकर आती है कोई भी, अब जनरल कर दो इसको, केवल तेजल पर लिमिटेड ना रखो, मर्यादित ना रखो, कोई भी व्यक्ति जो कुछ लेता आता है वो अपने संस्कार का अपने परिचय देता है। उसका स्वीकार न कर करना न करना ये हमारे हाथ की बात है। इतना यदि हम समझ ले, बात सुनने में बहुत सरल लगती है, आचरण करने बैठोगे तो पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है। और ये कब होता है, जब ईश्वर का अनुग्रह हो ना, ठाकुर की कृपा हो, तभी आचरण में आता है। और ये स्थिति जिसकी आ गई फिर उसको दुख दुख लगेंगे नहीं। दुख होना ये डेस्टिनी है, लेकिन दुखी होना ये चॉइस है। थिंक अबाउट इट प्रिय सज्जन। सफरिंग इज अ डेस्टिनी, बट टू बी अनहैप्पी इज अ चॉइस। एडवर्सिटी इज डेस्टिनी, सफरिंग इज अ चॉइस। विपरीत संजोग आएंगे जीवन में, विपरीत व्यक्ति आएंगे सामने, सब कोई हमारे ताल पे नाचने वाला नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाहते। भक्तों के जीवन देखो तो पता चलेगा, जन्म से अंधत्व होना, ब्लाइंडनेस फ्रॉम द बर्थ, बोलो कितने बड़े दुख की बात है।
वो व्यक्ति अपने आप को कर्ज ही करता रहेगा, क्या मैंने पाप किए होंगे, मैं देखो आई कांट सी द वर्ल्ड। लेकिन वही घटना सूरदास जी के साथ हुई। अब सूरदास के पद देखो, कहीं पर सूरदास ने शिकायत की है कि हे प्रभु मुझे क्यों अंध बनाया? किसी पुरुष की युवावस्था में पत्नी की मृत्यु हो जाए और दो संतान हो छोटे, बोलो एडवर्सिटी है कि नहीं? सामान्य व्यक्ति निराश हो जाएगा, अरे क्या करूंगा, बच्चे कैसे बड़े होंगे, कैसे करेंगे। वही घटना नरसिंह मेहता के जीवन में हुई। नरसिंह मेहता ने क्या कहा, बलून थयू भांगी जंजाल सुखे बदेशो। अरे नरसिंह मेहता ने पोतानी पत्नी गमती थी हो भाई, ये जो हो गया है स्वीकार। किसी महिला के लिए सबसे दुख की बात क्या हो सकती है, युवावस्था में वैधव्य आ जाए, पति चल बसे। इससे बड़ा दुख किसी स्त्री के लिए कोई नहीं हो सकता। युवावस्था में पति की मृत्यु हो जाए, ससुराल के लोगों के सहारे जीना पड़े, ताने वाने सुनने पड़े और देवर जहर का प्याला भेजे। अब आपको पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। मीरा ने कभी भी किसी अपने पद में भजन में कहीं गया शिकायत की, हे कन्हैया तू क्या कर रहा है, क्यों मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? एक भी भजन में नहीं मिलेगा जहां मीरा शिकायत कर रही। क्या गाती है मीरा, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे ते, हमें तो चिट्ठी ना चाकर छी, कोई दिन खावा ने शीरो ने पूरी तो कोक दिन सीरियल पण खाई है। हाँ यदि मीरा को अमेरिका का अनुभव होता तो कहती हूं, राम रखे हम रही, जैसे मेरे प्रभु रखेगा वैसे रहेंगे। Acceptance is the key. और ये अंडरस्टैंडिंग ईश्वर के अनुग्रह से ही आती है। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। महात्म्य के मंगलाचरण का श्लोक हमने किया। प्रिय स्वजनों, महात्म्य में आगे बढ़े उससे पहले एक 10 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन हम करें। बहुत अच्छा संगीत रिकॉर्डेड है, कथा तो आप बहुत सुंदर रूप से सुन रहे हो। अब श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति के साथ नर्तन भक्ति भी, पोथी यात्रा में वहां से यहाँ आते समय वो जो बैंड बहुत सुंदर बैंड था, वो बैंड के साथ कुछ लोगों से रहा नहीं जाता था। तो आइए अब भगवान के सम्मुख आप अपनी भक्ति को प्रकट कीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हिंदू सोसाइटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की ओर से ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इसमें एक सुंदर हेतु भी रखा गया है। मंदिर कैंपस को आप सब जानते हैं, इसका विस्तार करने के लिए, रेनोवेशन के लिए, उस कार्य में केवल भारत की नहीं लेकिन समग्र विश्व में
मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में जिनका बरसों से बहुत बड़ा योगदान है, सिंस प्रोबेबली मोर देन 60 ईयर्स, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स का भी हमें इस कथा में योगदान प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय डॉक्टर राजीव भाई मोदी का यह शुभ संकल्प इंद्रवदन भाई मोदी एवं परम भगवती शीला बहन मोदी वो अलग 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 विषय सत्संग स्तुति के शास्त्रों के आधार पर एकेडमिक इंटरेस्ट से लेकर के बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। इसमें ये कथा में भी उनका वो है। हम आप जानते हैं महेंद्र भाई मीका बहन श्रीमानकर परिवार कहा है और सुशीला बहन मेहता और इनका पूरा परिवार और बाकी सब लोग भी इसमें होंगे। जैसे जैसे होता जाएगा हमारे मनोज भाई और जो भी है वॉलंटियर्स हैं वो सब अनाउंस करते रहेंगे। महात्म्य में हम आगे बढ़े। पहले श्लोक में मंगलाचरण करने के बाद दूसरे श्लोक में श्री शुकदेव जी को वंदन किया। पुस्तक में आपके पास श्लोक है वही 109 नंबर के पेज पर दूसरा श्लोक और इंग्लिश में पेज नंबर 110 वर्स 2 सेकंड है। प्रसंग ऐसा है कि माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद तुरंत यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, जनेऊ भी नहीं दी गई है और शुकदेव जी घर छोड़कर निकल गए जंगल की ओर। महर्षि व्यास को जब पता चला कि मेरा पुत्र गया तो व्यास महर्षि पूछे पीछे दौड़े बुलाने के लिए और जहां जहां जाते हैं पुकारते हैं पुत्र हे पुत्र हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी ने वृक्षों में से उत्तर आया पिताजी मैं कहीं नहीं गया तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि वह। कैसे हैं शुकदेव जी? सर्वभूत हृदयम सभी प्राणी मात्र के अंतःकरण में विराजमान मुनि मुनि आनतोस्मि। मुनि कौन है? जो मनन करे वो मुनि। प्रिय स्वजनों मनुष्य शब्द भी उसी से हुआ है। ऐसे तो मनु का पुत्र मनुष्य लेकिन मनु कौन? जो मनन करे। We as human beings are contemplative by nature. विचार करना यह हमारा स्वभाव है और इसको आप रोक नहीं सकते। हम यदि हैं जीवित हैं जागृत हैं तो विचार आएंगे। विचार न लाना यह तो बहुत बड़ी साधना का परिणाम है। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है वो कि आप जागृत हो और मन में कोई विचार ही ना आए निर्विचार अवस्था। अविचारी लोग बहुत होते हैं बिना सोचे करते रहते हैं सब कुछ। अविचारी होना सरल है निर्विचार बनना
बहुत कठिन है। तो हम सबके लिए क्या मार्ग है? विचार तो आते रहते हैं और विचार से ही तो समस्या होती है। लोग कहते हैं ना, शांति नहीं है मन की, विचार 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 चलते रहे। एक बात हम कर सकते हैं, विचारों की गाड़ी की पटरी हम बदल सकते हैं। विचार कौन से करने हैं यह हम तय कर सकते हैं। मन के गुलाम न बन के, क्योंकि मन तो कहीं पर भी मरकट की तरह एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी डाली पर कूदता रहेगा। मन माकड़ा जे उच, लेकिन उस मरकट जैसे मन को हम ट्रेनिंग दे करके कौन से विचार कर रहे हैं ये हम कर सकते हैं। मुनीम ये कैसे, ये देखिए पहला दिन का प्रवचन है, मैं जो ट्रोल भी बोल रहा, ये कैसे करना है वो सब कथा में आने वाले दिनों में आता रहेगा। हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू कीप योर माइंड ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक, ये शास्त्र सिखाएगा, श्रीमद् भागवत में पता चलेगा। शुक्रदेव जी मुनि है, ऐसे मुनि को आनतोस्मी नमस्कार कर रहे हैं हम। श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता है शुक्रदेव जी। नैमिषारण्य की ऋषि परिषद का वर्णन किया है, शौनक वगैरह मुनियों ने सुत जी से जाकर के प्रश्न पूछे। चार प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते मन, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के समन्वय से विवेक कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रिय स्वजनों, सनातन भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने विवेक की बड़ी महिमा बताई है और वेदांत में विवेक का उच्च स्थान है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपना जो श्रेष्ठ, कई सारे ग्रंथ लिखे, कई भाष्य लिखे, लेकिन वेदांत का जो अनूठा ग्रंथ लिखा उसका नाम ही उन्होंने रखा विवेक चुड़ावणा। मुझे याद आया वेदांत की बात जब मैं कर रहा हूं ना, जो मनोज भाई ने भी बताया कि यहाँ कथा के लिए तो मैं पहली बार आया हूं, लेकिन मेरे विचार तो बहुत पहले से हम पहुंच चुके हैं। नियमित यूट्यूब चैनल पर जो श्री भाई अपने प्रवचन सुनने वाले भी लोग यहाँ हैं, मेरी मीडिया टीम ने बताया था कुछ हफ्ते दस दिन पहले कि यहाँ की कथा की जो प्रोमो वीडियो था ना, 2-3 मिनट का कि यहाँ लाले हिंदू सोसाइटी में कथा है, वो वीडियो जब गए तो उसमें किसी ने कमेंट लिखी थी कि गुरु जी ये कथा में आप वेदांत की बातें ज्यादा कहना है। वो कमेंट लिखने वाले यहाँ पर पर्सनली पता नहीं, क्योंकि उसमें तो केवल आईने लिखे होते हैं, वो कहाँ से उन्होंने लिखा क्या लिखा पता नहीं चलता। लेकिन ये कथा का प्रोमो वीडियो जब गया ना यूट्यूब पे अपने पास श्री भाई चैनल पर, तो ये कथा में वेदांत की बातें ज्यादा। मैं जरा एक प्रश्न पूछ लूं, बात निकली है तो, आप में से कितने लोग पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने बैठे हैं? फिर हाथ ऊपर करोगे, फर्स्ट टाइम एवर कभी भागवत सुनी ना हो, पहली बार बैठे हैं। ओके, और आप 7 दिन बैठने वाले हैं ना, क्योंकि आपके ऊपर मैं तय करूंगा फिर कल से आप ही ना दिखो। बाकी के लोगों ने भागवत की कथाएं सुनी है, ठीक। एक प्रश्न और है, दैट विल टेल मी कि मुझे किस तरह से ये कथा, क्योंकि देखिए एक बात कह दूं भाई, ये कोई रटी हुई बातें नहीं होती, कंठस्थ करके पैरटिंग करके यहां पर नहीं बुला जाता। इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस, आपका जैसा इंटरेस्ट, आपका इन्वॉल्वमेंट जैसा हो उस हिसाब से, श्रोता जिस तरह के हो, का कुछ सजेशन हो तो भी बता देना, क्योंकि मैंने देखा कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं इसलिए मैं इंग्लिश ज्यादा बोल रहा हूँ। यदि आपको लगे कि कम करना है तो मैं कम भी कर सकता हूँ,
ज्यादा इंग्लिश बोलनी है तो एंटायर कथा कैन बी इन इंग्लिश, वो भी कुछ लोग आयोजन करते हैं। तो हमने हम लगते हैं कि गुजराती जरा वधारे बोलो तो ये पण होवे सही है। बधुज भाई जैसे पौधे के ऊपर फूल खिलता है ना, ऐसे कथा खिलती है, उसमें कोई रटा रटाया नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा हो कि मैं यंग जनरेशन को ध्यान में रख के इंग्लिश में बातें करूं और जो सीनियर सिटीजन से बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता ना चले, वो भी नहीं होना चाहिए। और एकदम मैं हिंदी में बातें करूं तो यंग जनरेशन कहे कि वो बाउंसर जा रहा है पूरा, वो भी नहीं होना। बहुत कठिन काम है यहां बैठना। स्कूल में 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है ना, तो उसके बाद भी एक ब्रेक देते हैं, और यहां 3-3.5 घंटे तक विदाउट ब्रेक, कठिन काम होता है वो। डिसिप्लिन भी चाहिए, और इतना बड़ा क्लास, स्कूल में जो क्लास होता है 25-30 स्टूडेंट्स एट द मोस्ट, नंदिनी बहन उससे भी कम ज्यादा होते हैं, यहां भी ज्यादा होते हैं पब्लिक स्कूल्स में। इंडिया में तो 60-70 होते हैं, यहां आई एम श्योर इतने नहीं होते अमेरिका में क्लासरूम में, कहां 20-25 जितने होते हैं। वो 25 को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, टीचर्स को पूछिए। और यहां इतना बड़ा क्लास, अच्छा वहां तो ठीक है क्लास में एक ही एज ग्रुप के हैं, यहां एज ग्रुप कितनी रेंज बढ़ी। अच्छा वहां टीचर को पता है कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसको कितना आता है और कितना नहीं आता, यहां ये भी तो ठिकाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पहली बार कथा सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं कई बार कथा सुनिए। अच्छा एक मेरे व्यासपीठ से कितने लोगों ने कथा पहली बार सुन रहे हैं, जरा हाथ ऊपर करो। बाकी के लोगों ने पहले सुनी है मेरी बात, बोलो ये वेरिएशंस कितने हुए। वह बद्धान हाँ चौवाला, मुश्किल काम है ये तो। कृष्ण की कृपा है इसलिए हो रहा है। विवेक, हम जो बात कर रहे हैं, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा विवेक चूड़ामणि। विवेक किसको कहते हैं? विवेक है डिस्क्रिशन, जो नियरेस्ट इंग्लिश शब्द मुझे लगता है उसमें। योग्या योग्य विवेक, कार्या कार्य विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये विवेक। और विवेक केवल यहां पर रुकता नहीं है, वेदांत में तो विवेक की व्याख्या है कि योग्य क्या है वो समझने की बुद्धि और फिर उसको आचरण में रखने की हिम्मत, ये दोनों मिलके होता है विवेक। सही क्या है गलत क्या है ये समझने की शक्ति तो सभी में है, लेकिन आचरण में कितने लोग रख सकते हैं। एटीन ईयर ओल्ड आपका जो चाइल्ड हो, सन और डॉटर, उसको आप बर्थडे गिफ्ट में ब्रांड न्यू कार, उसकी ड्रीम कार हो दे दो, आप मशीन आ गया हाथ में, पहली बार जा रहे हैं वो ड्राइव करने के लिए फ्रेंड्स के साथ, तो मां कहती है बेटा ड्राइव सेफ, डोंट स्पीड। मां तो बोलते रहते हैं, कौन सुनता है, माताओं को तो आदत होती है बोलते रहते हैं। नई गाड़ी मिली है, महंगी वाली है, और यदि स्पीड ना करो तो गाड़ी का मजा क्या है। व्रुम व्रुम करके निकला है, मां ने पूछा रे कितने बजे आएगा, लाइक 8 o'clock, ठीक है 8 o'clock। मां 7:45 से प्रतीक्षा करना शुरू कर दी, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। 8:30, 9, 9:30, 10 o'clock नहीं आया। मां
उसके सेलफोन पे कॉल करती है। कॉल तो लगता नहीं, हे लीव अ मैसेज एंड आई कॉल यू बैक, चीयर्स। साढ़े बारह बजे आए, ना राह देखती बैठी, कहां गया था बेटा तू, यू आर गोइंग टू कम एट 8 o'clock। या मां कहां था, आई वाज जस्ट हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, हैंग आउट। बता देता, हाँ मुझे पता चला 8 बजे तुम राह देखोगी, लेकिन फिर फ्रेंड्स के साथ था, यदि मैं फोन करने जाऊं ऐसा करूं तो फिर लोग कहेंगे माम मास बॉय। देखा, डजंट दिस चाइल्ड नो, नॉट अ चाइल्ड, टीनेजर, डजंट ही और शी नो दैट इफ आई हैव कमिटेड टू माय मदर दैट आई विल बी होम बाय 8 o'clock, आई शुड बी होम बाय 8 o'clock। That's the right thing to do. वो तो पता है, लेकिन आचरण में रखने की हिम्मत है कि 8 बजे यदि मां को कहा है तो मैं at the stroke of 8 I should be home. नहीं आया, चलो फ्रेंड्स के साथ बैठा, और 8 बजे उसको याद भी आता है कि mom will be waiting, not just waiting, mom will be worrying. एक फोन करके कह दो, मां I'm late. I'll be late. नहीं, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, पीयर प्रेशर। मां चिंता करती बैठे तो बैठी रहे, फ्रेंड्स शुड नॉट नो अबाउट इट। ये भी विवेक, तो सही क्या है गलत क्या है ये उसको पता तो है, लेकिन उसको आचरण में रखने की हिम्मत है कि 7:30 बज गए, फ्रेंड्स से कहना है गाइज आई नीड टू गो, आई हैव प्रॉमिस्ड माय मॉम दैट आई विल बी होम एट 8, शुड बी वेटिंग फॉर मी। वो 7:30 बजे उठने की हिम्मत है। ये लड़का विवेक चूक गया। अब वो आधी रात को जब आता है कौन बताएगा उसको, पुलिस विल नॉट स्टॉप दैट कार एज लॉन्ग एज ही इज ड्राइविंग दैट सेफली, कोर्ट कुछ नहीं कहेगी, मिलिट्री कुछ नहीं कहेगी, एज लॉन्ग एज ही इज ड्राइविंग सेफली। कॉप तो उसको रोक के रास्ते में रोक के पूछेगा नहीं, मां को बता के आया है, मां को तूने कहा था 8 बजे, तू 10 बजे तक यहां क्या कर रहा है, दैट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द कॉप। तो ये कौन सिखाएगा हमारी नई जनरेशन, और सभी को कि जीवन में जो सही है वो हमें पता तो चलता है लेकिन उसका आचरण भी करना चाहिए, ये कौन बताएगा। प्रिय स्वजनों, इसके लिए शास्त्र की जरूरत है, इसके लिए संत की जरूरत है, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता। इसलिए व्हेन पीपल आस्क व्हाई लिसनिंग टू द स्क्रिप्चर्स, कथा क्यों सुननी है, सत्संग में क्यों जाना है, व्हाई टू स्टडी स्क्रिप्चर, इसलिए सुननी है। सही आचरण करने की हिम्मत आया है, और वो कोई नहीं बताएगा, केवल व्यासपीठ कहेगी ये बात, और कोई नहीं कहेगा। इसलिए स्वजनों जीवन का मूल्य पता चल रहा है, मैंने कहा ना महात्म्य है, इंपॉर्टेंस पता चल। जेआरडी टाटा, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट भारत का, नाम तो सभी ने सुना होगा, जेआरडी टाटा, उनका एक मित्र था, तो वो हमेशा बहुत चीप पहन रखा था, उसके कपड़े बड़े महंगे रहते थे, सूट जो पहनता, कपड़े पहनता, बड़े एक्सपेंसिव, कार एक्सपेंसिव, घर बड़ा एक्सपेंसिव, सब कुछ, लेकिन पेन ही यूज्ड टू यूज वेरी वेरी चीप वन। तो जेआरडी टाटा ने एक बार उसको कहा कि भगवान की कृपा है तेरे पर, सब कुछ तेरे पास अच्छा है, ऐसी
₹5 वाली पेन तो यूज करता है क्यों? तो उसने कहा कि मिस्टर टाटा, मेरी आदत है, मैं पेन भूल जाता हूं सब जगह पे, कहीं लिखने के लिए रखी तो फिर वहां भूल जाता हूं, किसी को दी तो फिर लेना भूल जाता हूं, तो आई एम वेरी फॉरगेटफुल। वैसे शुरुआत में ये सब हुआ तो फिर मैंने आई स्टार्टेड कि मैं सस्ती वाली पेन ही रखूं, जाए तो भी चिंता नहीं। बट वन थिंग इज श्योर, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस फॉरगेटफुलनेस। ये केयरलेसनेस तो अच्छी नहीं होती ना, ये सब चीजों को भूल जाए हम। जे आर डी टाटा ने कहा कि मैं एक बात कहूं, करोगे क्या? बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव पेन। नहीं 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 फिर तो मैं भूल जाऊंगा। प्रयोग तो करके देखो, एक बार भूल जाओगे, भगवान की कृपा है तुम पर, बहुत चिंता नहीं है। मोस्ट एक्सपेंसिव पेन तुम्हें लगे वो बाय करके रखो, ये केयरलेसनेस चली जाएगी। टाटा ने कहा था आई थिंक सो। उस व्यक्ति ने एकदम एक्सपेंसिव डायमंड स्टडेड पेन ली और रखी। 6 महीने बाद जेआरडी टाटा ने पूछा उसको, कितनी पेन गई? कहते एक भी नहीं, वो है वैसे की वैसे। क्यों? इट्स सच एन एक्सपेंसिव पेन, अब तो किसी को देता हूं तो भी याद रखता हूं कि उसके पास है, लू मैं, कहीं पर टेबल पे भी नहीं रखता, साइन करनी हो तो साइन करके वापस पॉकेट में रख देता हूं, संभाल के रखता हूं उसको। जेआरडी टाटा ने कहा देयर यू आर। ये संसार में कोई भी व्यक्ति केयरलेस होता ही नहीं है, वो केयरलेस वहीं पर होता है जिसकी उसको वैल्यू नहीं होती, जिसकी Thank you, starting to be valuable. એટલે કહું છું, પેલું હોય ને આમ મેટ્રિક ખાસ થઈ ગયું છે, કાલે વાયર વાળું જ રાખો ભાઈ. ઓ ઓ જીઆરડી ટાટા ને લેકિન યે એડજસ્ટમેન્ટ બદલ ગયા હે વાપસ. ઇઝ ઇટ ધેર? જીઆરડી ટાટા ને ઉસકો કહા કે एक्सपेंसिव जब तुमने पेन रखी देन यू बिकेम अलर्ट, कॉन्स्टेंटली तुम अलर्ट मोड में आ गए क्योंकि अब तुम्हें उसकी वैल्यू पता है, उसका इंपॉर्टेंस पता है. प्रिय सुजनो, दिस होल्ड्स गुड नॉट ओनली फॉर पेन बट लाइफ आल्सो. इफ यू वैल्यू योर हेल्थ यू विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन ईटिंग. जो व्यक्ति को अपने हेल्थ की वैल्यू नहीं है वो कुछ भी खाता रहे और फिर वो बोलते हैं, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ऐसे भी मरना है तो खा पी के मरो ना. बोलो, दिस सिंपली मीन्स दैट दिस पर्सन डज नॉट वैल्यू हिज हेल्थ और हर हेल्थ. जिसको रिलेशनशिप की वैल्यू है वो कभी भी किसी के साथ संबंध नहीं बिगाड़ेगा. इसलिए हम रखना प्लीज, जो छोटा आदमी होता है ना, थॉटलेस पर्सन, अविचारी आदमी है, वो छोटी छोटी बातों में निस्लुगों से संबंध काट देगा. जैसे छोटे बालक होते हैं ना, समझ उसे किट्टा, वो ठीक है उसमें निर्दोषता भी है तो आधे घंटे में वापस आके बुच्चा भी कर देता है, लेकिन बड़े लोग जब किट्टा करते हैं तो बुच्चा करने में बहुत देर लगती है. फिर समझ व्यक्ति, इफ ही डजंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप काटता रहेगा. लेकिन सेंसिटिव व्यक्ति है, दोस्त, वो वैल्यू द रिलेशनशिप, वो थोड़ा लेट गो करके भी रिलेशनशिप को संभाल के रखेगा. द पर्सन इज इंपॉर्टेंट. जीवन का महत्व जिसको पता चला, जीवन की वैल्यू होगी तो जीवन का भी आप महत्व समझोगे. धर्म की वैल्यू यदि पता चलेगी, शास्त्रों की वैल्यू महत्व पता चलेगा कि हजारों वर्षों के चिंतन के बाद ऋषि मुनियों ने ये
टाइम टेस्टेड विजडम हमारे लिए ग्रंथस्थ करके रखा है और ये ग्रंथ को समझने का हमें मौका मिला है 7 दिन के लिए। तो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, स्क्रिप्चर को स्टडी करेगा और वैल्यू नहीं होगी तो आया महाप्रसाद खाया, मुंह दिखाने के लिए सबको थोड़ी देर किया और फिर समझ है, ये वैल्यू नहीं है उस घर से कह के निकल। 9 बजे 8 बजे आ जाना, अरे कथा 9:30 पूरी होती, मैंने कंफर्म कर लिया बिटिया से, कथा 9:30 पूरी होती, लेकिन हमारे तो 9 वागे जो छोकरा लेवा आवे पीछे उभा रहे तो बीजे दिन ले नो आवे। प्रॉब्लम्स में जानता हूं क्या प्रॉब्लम्स है, महत्व यदि समझे तो आप स्वयं तो एकाग्रता से डिसिप्लिन से अनुशासन से सुनोगे, दूसरों को भी प्रेरित करोगे। जैसा आज रात को आप जाके करने वाले हो, कल सुबह करने वाले हो, एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों से फोन करेगा कि हिंदू सोसाइटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, पहले दिन की कथा का हमने श्रवण किया, आनंद आता है, बहुत जानने को मिलता है, आप भी आइए। गुजरात में जन कहने आंगली चिंध्यानो पुण्य, करने वाले सब आयोजन करते हैं, कंट्रीब्यूट करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें तो केवल आकर के भगवान का प्रसाद लेना है और वाणी का प्रसाद लेना है प्रभु की। और करेंगे कोई होटल में अच्छी आइटम खाई हो ना, उधर का पाव बड़ा अच्छा होता है, अच्छा तो खुद खा के आए, दूसरे 10 को भेजेंगे उधर जाके पाव बड़ा खाना, उधर जाके अरे कोई स्टोर में रेड टैग सेल लगा हो तो सब लोग कहें, पहले अभी तो आप लोग सुधर गए लेकिन 25-30 साल पहले उस स्टोर में बटर सेल पर है, आधा फ्रिज बटर से भर के रखते थे, साल भर का बटर इकट्ठा करके रखते सेल पर बटर। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एक पाव बड़ा खिलाने के लिए लोगों को सजेस्ट करते हो, बटर लाने के लिए सजेस्ट करते कि इधर सेल है, ये सेल पे है, जीवन को बदलने वाली और परमात्मा से परिचय कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा हो, नहीं कहेंगे हम अपने लोगों से कि आओ हम तो लाभ ले रहे हैं, आप भी लो यहां आकर। ये आपकी तालियां बता रही है कि आप 10-10 फोन करने वाले हो और आपके जो पुरुषार्थ थे उसका परिणाम कल दिखना चाहिए हॉल में। विघ्न होना ये स्वजन बहुत बड़ी बात। दूसरा प्रश्न पूछा है, माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम्। संसार में रह करके माया और मोह का निरसन, हाउ कैन वी बी फ्री फ्रॉम डिल्यूजन एंड अटैचमेंट। कैसे मोह, जीवन का आनंद लेना है लेकिन उसकी समस्याओं से उसके कष्ट से बचना, ये ऐसी बात है। गुलाब का फूल चाहिए लेकिन कांटों से बचना। हम जानते हैं गार्डन में यदि रोज है तो उसके साथ थॉर्न्स भी होंगे लेकिन गुलाब लेना है कांटे नीचे। ये संसार भी एक ऐसा वन है कि उसमें सुख लेने जाते हैं तो वहां दुख भी आता है, दुख तो सुख की परछाई की तरह। तो ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई किमिया, ऐसी कोई फॉर्मूला कि सुख तो ले सके, आनंद तो ले सके, दुख से बच जाए, माया और मोह से बचे, ये बताएंगे यह ग्रंथ में। तीसरा प्रश्न पूछा, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं प्रायः।
ये उसमें है। और श्रेयसाम यद भवे श्रेय, ये तीसरा, मन से क्लेश कैसे दूर हो तीसरा, और चौथा कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी साधन, पवित्र करने वाले साधनों में सबसे श्रेष्ठ पवित्र करने वाला साधन, और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, हमेशा के लिए जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करा दे, श्री कृष्ण से जोड़ दे, ऐसा साधन कौन सा। हाउ टू बी कनेक्टेड विथ गॉड, आज के युग की यही समस्या है प्रिय स्वजनों। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, न जाने क्या क्या, उससे वी आर कनेक्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड, समग्र सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने से और अपनों से बिछड़े हुए। डिस्कनेक्शन, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। एक ही सोफा के ऊपर पति पत्नी पास पास में बैठे हुए, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, कहीं और बैठे हुए किसी के साथ ये सोशल मीडिया से बात हो रही है, एक दूसरे से नहीं हो रही। और एक दूसरे को कोई बात करनी हो तो व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप बनाया है, उसमें मैसेज डाल दिया, पढ़ ले। आई एम गोइंग टू गो अर्ली टुमारो मॉर्निंग सो नो ब्रेकफास्ट। अरे पास में बैठिए, बता देना इसमें क्या डाल रहा है तू व्हाट्सएप ग्रुप में। डिस्कनेक्शन, ये आज के समय की पीड़ा है। इसलिए वर्चुअल सर्कल बहुत बड़ा होता है, लेकिन रियलिटी में व्यक्ति अकेला है। दैट लोनलीनेस, अपने से बिछड़ गया, और जो स्वयं से बिछड़ गया वो परमात्मा से कैसे जुड़ेगा। ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वयं से जुड़े। नो थाइसेल्फ, अपने आप को पहचानो पहले, ये कार्य श्रीमद् भागवत करते हैं। सुंदर प्रश्न पूछने पर सुख जी ने कहा कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही ग्रंथ में मिलेगा, और वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। एतस्माद् अपरम शास्त्रम एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन को यदि शुद्ध करना है, चित्त को प्रसन्न करना है, तो उसके लिए ये शास्त्र से बढ़कर और कुछ नहीं। आप यदि लिस्ट बनाते होंगे कॉन्शियसली तो पता चलेगा कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए। श्री कृष्ण से परिचय पाने के लिए, अपने से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, और यहां कहा चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए। हमारी सारी समस्याओं का कारण है मन की क्लिष्टता, मन में सड़ा, मन में कचरा। घर को तो लोग स्वच्छ रखते हैं, मन को गंदा हुई याद है। अपने वैक्यूम करके पूरा घर क्लीन किया, 2 घंटे मेहनत की, और आप जरा बैठो, हाँ 2 घंटे की मेहनत के बाद घर क्लीन हो गया, और उतने में कोई पड़ोसी आकर के आपके घर में उसका गार्बेज डाल के जाए, ऐसे कितना गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिजिकल गार्बेज डालेगा तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप भगवान की, सुबह उठ के स्नान करके
भगवान की पूजा करके जप करके बैठे हो और उसमें पड़ोसी आता है और दुनिया भर की गॉसिप करता आधा घंटा, वो आपके मन में कचरा डाल रहा है, फिजिकली ना आए फोन पे आए, आपको इतना अच्छा लग रहा है, कजिन का फोन आया 15 मिनट आधा घंटा बात की, सब न्यूज मिल गए, क्या कचरा मिला, न्यूज क्या मिला, इंडिया में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, एंड यू प्राउडली फील अपडेटेड। ये नहीं सोचते कि मेरा मन कितना स्वच्छ था, रात को अच्छी नींद आई, सुबह उठ के नहा धो के भगवान की पूजा की, इतने पवित्र मन में उसने आधे घंटे तक कचरा डाला। तीन दिन तक वो कचरा डालने न आए तो आप सामने से कहते हो बोल बोल कचरा डाल कुछ, तीन दिन से फोन नहीं किया तूने, यही तो है हमारी समस्याओं का कारण, मन का कचरा, मन को शुद्ध कैसे किया जाए, ये श्रीमद् भागवत। अरे भागवत कब मिलती है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतं लभेत। प्रिय स्वजनों, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागृत हो जाए तब श्रीमद् भागवत श्रवण का अधिकार प्राप्त होता है। वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, प्रजा जिनको चुनती है, भारत में संसद कहते हैं या सेनेट कहते हैं ना, प्रजा जिनको चुनती है वे सेनेट में जाके बैठते हैं और प्रभु जिनको चुनता है वे सत्संग में आकर बैठते हैं। आप जो यहां आए हैं बिकॉज यू आर चोजन बाय गॉड। ये इवेंट का पता तो कितने लोगों को था, कितने ईमेल भेजे गए, कितने प्रचार किया गया, प्रमोशन किया गया, हजारों लोगों तक, अच्छे हो जो आप आए हो, बाकी के लोग कहां हैं, पता तो है उनको। आज रात को जब आप फोन करोगे ना कि ये कथा शुरू हो गई अपने हिंदू सोसाइटी में, हाँ 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 ईमेल आया था, तो आप क्यों ईमेल आया था, आप क्यों नहीं आए, नहीं आना तो है कथा में, कब आओगे, चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा ना सोमवार को, तब कृष्ण को हाय कहने आएंगे वो लोग। गुजरती के लोगों के कथा जरा जामे ने रात के दही छे, कथा जामे ने पछी आवी है, पहले दिन से आप जो आकर बैठे हो और YouTube चैनल पूज्य श्री भाई से जो लोग देख रहे हैं कथा, प्रिय स्वजनों यू आर ऑल चोजन बाय श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण की आप पर कृपा, नियम रखते हैं लोग भारत में तो, हजारों लोग होते हैं और लोगों का पूरी कथा सुनी, इतना ही नहीं हो सके तब तक एक ही आसन पर बैठे सुनने, एक ही स्थान, इसकी महिमा है। जैसे भगवान की माला जपो पूजा करो तो एक स्थान पर बैठे के करो तो उसका यदि कथा में भी लोग एक स्थान पर बैठकर एक आसन पर बैठ के, भागवत की महिमा बताई है। नारद जी भ्रमण करते हुए देखा कि सृष्टि में कलयुग फैला हुआ है, उसकी असर फैली हुई है, ये कैसे दूर होगी। वृंदावन में जाकर भक्ति देवी ने को देखा, भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी निश्चेष्ट हुए थे, बेहोश हुए थे। भक्ति देवी ने विनती की नारद जी से कि मेरे ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, बेहोश पड़े हैं, नारद जी आप कुछ कीजिए, क्या करें।
नारद जी ने जब घूमे सनत कुमारों से मिले, सनत कुमारों से पूछा ये कैसे क्या। देखिए आज कलयुग का ये भी एक प्रश्न है, भक्ति तो है अपने अपने तरीके से, सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं। पीपल डू सर्टन थिंग्स इन द नेम ऑफ डिवोशन बट दे डोंट नो व्हाई आर दे डूइंग इट, और वैराग्य कुछ पाना हो तो कुछ छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए लेकिन कुछ छोड़ना नहीं। सुनो जहां भी सफलता चाहिए, वैराग्य का अर्थ केवल यह मत समझना कि भगवे कपड़े गेरुए कपड़े पहन के निकल जाना, दाढ़ी मूछ जटा बढ़ा देना, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का सिंपल अर्थ है टू अचीव द हायर ऑब्जेक्ट यू हैव टू लीव द लोअर वंस। मंडे मॉर्निंग 9 o'clock स्कूल में एग्जाम है and the child wants to excel in this exam, he wants to bring good grades, to Saturday evening ya to Sunday evening koi game ho, sports ho, alag alag soccer or football or sab hota hai na, interesting ho, pura family baitha hua hai, aas paas ke do char uncle aunty bhi aaye hue hain, it's like a party at home. But this young boy is sitting in his room and studying. Why? I want to achieve good grades. So, ye balak ka vairagya hoga. He is interested in the game. Not that he is not interested. Lekin do baat hai. Ya to 2 ghanta game dekhke entertain karo. Ya 2 ghanta study karke exam mein achhe grade lao. Choice is yours. हायर एम को सिद्ध करने के लिए लोअर अट्रैक्शन को छोड़ना पड़ता है। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। वैराग्य वो है जो आप श्रेष्ठ पाने के लिए कनिष्ठ को छोड़ते, आज संसार में वो नहीं दिखता है। पीपल फॉल अ प्रे टू दिस स्मॉल अट्रैक्शंस, नियर फ्यूचर अट्रैक्शंस। इतनी बड़ी अच्छी कथा पहले दिन की सुन ली, कल शाम को नहीं आ पाएंगे, क्यों? चाचा के भांजे की मौसी के बेटे की साधु के वहां हाउस वार्मिंग है और पार्टी रखी है तो जाना कहां, दूर गया चाचा के भतीजे का भांजा के साढ़ू भाई, तुम नहीं जाओगे तो भी हाउस वार्मिंग उसका हो जाएगा। इज नॉट गोइंग टू वेट, वो दूर वाले अंकल और आंटी नहीं आए। लेकिन कथा श्रवण के लिए यदि नहीं आओगे तो जीवन का विकास अवश्य हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। ये तो केवल दृष्टांत, ऐसे कई आते हैं जो राइट प्रायोरिटी सेट कर सके जीवन में। अपने आनंद और कई बार हमेशा होता है ये, जैसा मैंने कहा फेटविल से हमारे दो परिवार डॉक्टर राकेश भाई, डॉक्टर रमेश भाई, सातों दिन, और पॉसिबल है कि 5 मिनट की दूरी पर कोई हो वो ना आया, जस्ट 5 मिनट्स अवे। क्यों? शायद ऐसा लगता है कि हमारी ओर से प्रायोरिटी नहीं है, और दूसरी ओर से कहूं तो कृष्ण की कृपा अभी हुई नहीं है, जन्म जन्मांतर के पुण्य अभी जागृत नहीं हुए। पुण्य जागृत हो जाएंगे आप कहीं से भी आगे बैठ जाओगे। भक्ति देवी कहती है ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र बेहोश पड़े हैं, नारद जी आप उनको जागृत करो। सनत कुमारों से पूछा नारद जी ने क्या करें, सनत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी ने आयोजन किया, सब लोग आए, दूर दूर से सब लोग आए, 7 दिन कथा चली। ज्ञान वैराग्य जो बेहोश पड़े थे, 7वें दिन तो दोनों उठकर नाचा है जी, दोनों नाचने लगे, प्रसन्नता हो गई। कथा जब विराम हुई
तो सब लोग अपने अपने वहां जाने लगे। वापस देवी नारद जी से पूछा, नारद जी इतना अच्छा लगता था 7 दिन सब मिले, भगवान की कथा की, उत्सव मनाए, आनंद किया, ये सब तो चले गए, मैं कहां जाऊं। भक्ति देवी ने जब ये प्रश्न पूछा तो नारद जी कहते हैं, मां भक्ति आप भक्तों के अंतःकरण में निवास करो, तब से लेकर आज तक भक्ति देवी भक्तों के हृदय में विराजती है। कथा पूरी होने के बाद भक्ति ने भक्तों के हृदय में प्रवेश किया। महात्म्य के चौथे और पांचवें अध्याय में आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुली की कथा, कहानी तो बड़ी प्रसिद्ध है लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो समझने जैसा है। तुंगभद्र नाम का नगर, उसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। स्पिरिचुअल मीनिंग समझना, तुंगभद्र संस्कृत व्याकरण के अनुसार तुंग का अर्थ होता है पी शिखर, भद्र कल्याण, जहां पर पीक शिखर का कल्याण हो वो तो मानव देह ये तुंगभद्र है, ह्यूमन बॉडी। इसमें हम अपना चाहे इतना श्रेष्ठ विकास कर सकते हैं, तुंगभद्र। आत्मदेव आत्मा, धुंधुली बुद्धि, बुद्धि आत्मा की पत्नी। आत्मदेव को संतान नहीं, उसको बड़ी चिंता है कि कोई संतान होने चाहिए, लेकिन धुंधुली का स्वभाव जो है थोड़ा विचित्र है। उसको चाहिए भी नहीं समझ, थॉट्स आर डिफरेंट। एक बार जंगल में गया है आत्मदेव, महापुरुष को देखा, प्रणाम किए और कहा कि आप बड़े तेजस्वी लगते हैं, बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते हैं, मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए ना कुछ। वो महापुरुष सचमुच बड़े ज्ञानी थे, आत्मदेव के ललाट की रेखाओं को देखकर उन्होंने कहा कि इस जन्म की तो बात छोड़, 7 जन्म तक तुम्हें संतान का योग नहीं। आत्मदेव ने सोचा जो महापुरुष मेरे 7 जन्मों का भविष्य देख सकते हैं, इतने ज्ञानी मेरे 1 जन्म की 1 समस्या दूर नहीं कर सकते। पैर पकड़ लिए उसने, आत्मदेव ने कहा कि अब तो मैं आपके पास से हटूंगा ही नहीं, आप इतने ज्ञानी हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति का उपाय बताइए, नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जिद की। प्रिय स्वजनों, शास्त्र का कहते हैं जीवन में जो सुख न हो उसको पाने के लिए यदि हम जिद करें तो जीवन में जो दुख न हो वो भी भुगतने पड़ते हैं। महापुरुषों के पास जिद नहीं की जाती, महापुरुषों की आज्ञा का पालन किया जाता है। आपकी इच्छाएं सब महापुरुषों के पास पूरे नहीं करवाते। महापुरुष कोई हैंगर नहीं है जिसके कोई खिला नहीं है जिसके ऊपर आप अपने थॉट्स के हैंगर लगाते जाओ, ये भी कहना जरा, ये भी करना, ये भी बताना, ऐसा भी करना। महापुरुष के पास तो शांति से बैठकर केवल उनकी कृपा बरस रहे, वो बोले तो कृपा, न बोले तो उनके मौन में से सीखते रहो, उनके जीवन में से सीखते रहो। संगीत के महफिल के कार्यक्रम में जाओ तो वहां आप लिख लिख के दे सकते हो, ये गाना गाना, ये बजाना, ऐसा करना, करते ना लोग क्या बोलते हैं उसको, फरमाइश, थैंक यू। वो संगीत के कार्यक्रम में हो सकता है, आपको अधिकार है। किसी ज्ञानी विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण संत के पास बैठे हो, फरमाइश करने से बचना, उनसे कहो केवल आपकी कृपा बरस, आपको जो ठीक लगे, आपको जो योग्य लगे, तब वो जो बरसेंगे ना आपको सराबोर कर देंगे। यहां पर आत्मदेव ने जिद की, महापुरुष ने एक फल दिया, कहा ये फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, सत्य का आचरण करना, और वो जब गर्भवती हो जाए तो तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाना,
संतान के जन्म होने के बाद लौटना। आत्मदेव ने कहा ठीक। फल लेकर के घर गया, अपनी पत्नी धुंधुली को दिया, ये महापुरुष की प्रसादी है, हमें संतान की प्राप्ति होगी, सत्य का हमें पालन करना है, और जब तुम गर्भवती बनो तो मुझे कह देना, मैं तीर्थ यात्रा के लिए चला जाऊं। आत्मदेव ने तो फल दे दिया, लेकिन धुंधुली जिसका स्वभाव, धुंधुली की व्याख्या है धुंधुम, ये द्विधा बुद्धि धुंधुली, कंफ्यूज इंटरेक्ट होते हैं कुछ लोगों का स्वभाव। कोई भी अच्छी बात करो, ऐसा तो कभी होता है, धुंधुली ने भी यही सोचा, ऐसे कभी होता है फल खा के संतान की प्राप्ति हो, ऐसा कभी होता है, नॉट पॉसिबल, पर मुझे तो संतान फायदे ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये धुंधुली। यहां प्रसंग जो है कथा का, इसमें धुंधुली एक लेडी कैरेक्टर है, लेकिन धुंधुली का अर्थ केवल स्त्री ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, धुंधुला भी हो सकता। कहने का आशय जो कंफ्यूजन है, जो नेगेटिव ही सोचता, वो धुंधुली या धुंधुला, और उनका एक ही प्रश्न होता है, और उसके ऐसा भी कभी होता है, ये जो बातें करते हैं 7-7 दिन रोज शाम को 3.5-3.5 घंटे बैठो, इंडिया में इतना टाइम होता, हमारे यहां कहां टाइम है। हाँ धुंधुले नेगेटिव, ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी होता है। कोई अच्छा काम भी तुम करने जाओ ना, इन लोगों से पूछो, ये देखो बहुत अच्छा काम है, मंदिर को इतना बड़ा हमारे पास सुंदर जगह है, हम रिनोवेट करेंगे, कम्युनिटी को लाभ होगा, 5 साल में, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है, हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर, ऐसा भी कभी होता है, अभी किसके जाइए, अब तो ये पूरी जनरेशन हो गई, धुंधुलो। नेगेटिव धुंधुली ने यही सोचा। आत्मदेव रोज पूछता था तूने वो फल खाया, तूने नहीं, मैंने वो फल खाया भी नहीं, खाने वाले भी नहीं। रोज पति पत्नी दोनों के बीच में टसल होती थी, एक बार जरा बात कुछ बढ़ गई तो धुंधुली बड़ी दुखी होगी, तो बहन उसकी सखी आई होगी सहेली, उसने पूछा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं तुम जरा टेंशन में रहती हो, क्या बात क्या है। अरे बात छोड़ देना, क्या करते हो, किसी को भी बोलो ना बात छोड़ दो तो वो छोड़ेगा नहीं और पकड़ेगा, नहीं नहीं बता क्या है तुम इतने स्ट्रेस में रहती। अरे ये देखना मेरा हस्बैंड कहीं से ले आया है फल किसी महापुरुष के पास से, कहते तू खा लेना, बच्चे होंगे संतान होंगे, मुझे नहीं चाहिए संतान, और ऐसे कोई फल खा के बच्चे होते हैं। अच्छा यही बन रहा है, हाँ तो उसमें स्ट्रेस क्यों करती है। मैं कहती हूँ ध्यान से सुन, आज ही तेरे पति को बता दे कि तूने फल खा लिया। धुंधुली पूछती है झूठ बोलू, हाँ हस्बैंड के साथ तो बोल सकते हैं। अरे लेकिन झूठ बोलूंगी तो टिकेगा कब तक, यदि मैं कहूं फल खाया तो फिर संतान चाहिए, संतान कहां से लाऊंगी। उस सहेली ने कहा मेरी बात तो सुनती जान, तू तेरे हस्बैंड से कह दे तू गर्भवती है, तूने तो फल खा ही लिया था 2 महीने पहले, अभी तू गर्भवती है, ठीक है, तो फिर बालक कहां से आएगा। वो सहेली ने कहा मैं गर्भवती हूं, मैं मेरा बालक तुझे दे दूंगी, तू तेरा बालक मुझे दे देगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलेगा। सहेली कह दे कैसे पता चलेगा, जैसे ही तू कहेगी कि तू प्रेग्नेंट है गर्भवती है, तो महापुरुष ने कहा था उस हिसाब से तेरा पति तो यात्रा के लिए चला जाएगा ना, हम बुलाएंगे तब आएगा। हाँ मेरे पति को तो पता नहीं, लेकिन तेरे पति को तो पता चलेगा ना। हाँ चलेगा, लेकिन वो मैं निपटा दूंगी। कैसे, तुझे पता है ना मेरा पति लालची है, 5-10 हजार दे देना, उस चुप रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ, और ऐसे भी मेरे घर में 3-4 है, बाकी संतान पति नहीं, मेरे घर में तो 3-4 संतान है, एक संतान तुझे दे दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा पति भी नहीं बोलेगा। धुंधुली सोचती है मेरे पति के सामने झूठ बोलो, मैं गर्भवती हूं, पति चला जाएगा यात्रा करने,
इसके पति को 10,000 देंगे तो वो भी चूक हो जाएगा। बोलो, बे धुनी ठेकाने पड़ दीदा। तुम धुनी कहती है ठहर, गांव के लोगों को तो पता चलेगा ना कैसी नजरें होती है सबकी। तुम सहेली ने कहा उसकी भी चिंता मत कर, आज से ही तेरा घर से बाहर निकलना बंद, और मुझे कोई पूछेगा गांव में कि तुम्हारी सहेली वो धुंधुली क्यों नहीं दिखती है, तो मैं सबसे कहूंगी अरे गुड न्यूज, 2 महीने हुए हैं लेकिन डॉक्टर ने कहा है कंप्लीट बेड रेस्ट, कंबल उठ के सो जा तो कंफर्टर ओढ़ के। गांव लोगों को भी ठिकाने लगा दिया। धुंधुली कहती लेकिन तू तेरे ही संतान मुझे लाकर देगी, फिर उसको बड़ा तो मुझे करना पड़ेगा ना, वो ही तो जंजक मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मैं अपने संतान नहीं करती, उसको नहलाना धुलाना दूध पिलाना कपड़े पहनाना, वो रोए तो उसको शांत करना, ये सब कौन करे जंजक। इस सहेली ने कहा तमे मात्र हस्तु मोढ़ू राखो बाकी नु बधु अमे संभाली लेश। सहेली ने हूं मैं तेरी, हाँ ऐसे भी दिन में 3-4 बार आती हूं, 2-3 बार और आया जाया करूंगी तेरे घर में, तो जब भी मैं आऊंगी मैं दूध पिला दूंगी मेरे बालक को, मतलब तेरे बालक को, अभी जब दे तुझे दे दूंगी तो नहला दूंगी धुला दूंगी कपड़े पहना दूंगी साफ करा दूंगी, तू चिंता मत कर। धुंधुली ने अंतिम सवाल पूछा, बाकी तो सब तेरे कहने पर करूं लेकिन ये फल क्या क्या करूं, क्योंकि फल तो खाया नहीं है। सहेली पूछती बहुत सोचती है तू, इतना ज्यादा सोचती, फल क्या क्या करूं, आंगन में गाय खड़ी है ना खिला दे उसको, देखते हैं कैसे बच्चे होते हैं ऐसे। धुंधुली ने सहेली ने जो कहा वही किया, तात्विक अर्थ धुंधुली बुद्धि उसकी सहेली मन, बुद्धि मन के बहकावे पर चलती है और आत्मा को छलती है, तब होता क्या है आत्मा को जन्म जन्मांतर की यात्रा में भटकना। धुंधुली ने जब आत्मा से कह दिया आत्मदेव से कि मैं गर्भवती हूं, आत्मदेव तो चला गया यात्रा करने, सहेली के वहां पुत्र का जन्म धुंधुली को दिया, आत्मदेव को समाचार पहुंचाए पुत्र जन्म हुआ है, ओहो हो आत्मदेव तो खुश खुश हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया, गांव लौटा पूरे गांव को भोजन कराया, पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। व्याख्या है क्योंकि पत्नी की इच्छा थी मेरे बेटे के नाम में मेरा नाम तो आना ही चाहिए, ऐसी धुंधुलियां और धुंधुले आज भी होते हैं ना, हमारे बच्चों के नाम में हमारा नाम आना चाहिए, इनिशियल्स आने चाहिए। दो तीन दृष्टांत मेरे मन में आ रहे हैं लेकिन समय हो रहा है इसलिए दृष्टांत नहीं देता हूं, लेकिन आपके आसपास भी ऐसे निकलेंगे लोग जो हस्बैंड वाइफ अपने नाम में से, अरे स्वतंत्र जीव है उसको अपने जिंदगी जीने दो, कहां तक चिपक के बैठोगे, कहां तक अपने थप्पे लगाते रहोगे। दैट सोल हैज हिज ओन जर्नी, हो सके उतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो लेकिन आसक्ति निर्माण मत, ये हमारी संतान का नाम हमारे नाम पर से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आसक्ति है अटैचमेंट। धुंधुकारी की व्याख्या धुंधुम संसारम कारयति रचयति इति धुंधुकार, संसार के बंधन जो निर्माण करे वो ही धुंधुकार। 1.5-2 महीने के बाद आंगन में खड़ी हुई गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य जैसा कान गाय जैसे, उसका नाम रखा गोकर्ण, गोहो कर्ण इव गोकर्ण, जिसके कान गाय जैसे हैं वो गोकर्ण। धुंधुकारी दुष्ट निकला, गोकर्ण विद्वान निकला। धुंधुकारी गांव में से नए नए झगड़े लेकर आता था, गोकर्ण पवित्र आत्मा। आत्मदेव त्रस्त हो गए ये धुंधुकारी की मुसीबतों से। गोकर्ण से जाकर पूछा मैं क्या करूं, गोकर्ण ने कहा पिताजी बहुत सुंदर श्लोक है प्रिय सुजनों, समय हो गया इसलिए नहीं जा पाऊंगा इसमें, लेकिन इस श्लोक का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले की कथाओं में इस पर चिंतन किया है,
109 पन्ने पर तीसरा और चौथा श्लोक गोकर्ण ने जो आत्मदेव को उपदेश किया और इंग्लिश में पेज नंबर 110 थर्ड एंड फोर्थ वर्स, आधुनिक युग में हमें बहुत ये समझने जैसा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फैमिलीज हम देखते हैं कि जो जनरेशन गैप है, चिल्ड्रन के पास से जो अपेक्षा रखी थी, सन्स डॉटर्स सब कोई, वो फुलफिल नहीं होती। दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ इन देयर ओन वे। दे आर नाइस पीपल, बिलीव मी, दे आर नॉट बैड, बट मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उससे फिर ये पेरेंट्स चिंता करते बैठते हैं, क्या होगा क्या होगा, सेविंग्स नहीं करते हैं, हमने तो कितना सेविंग किया, इतना कमाते हैं सब उड़ा देते हैं, व्हाट वाज द यूज ऑफ दिस एक्सपेंसिव कार, इतना बड़ा घर ले लिया, दो तो हैं, फैमिली भी नहीं करते, हम कहते हैं चलो कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, नो नो, तो फिर इतना बड़ा तंबू क्यों गाड़ा दोनों के लिए, नहीं मानते हैं कंपनी कुछ ऐसी उन लोगों की हो जो आपको पसंद ना हो, लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी हो जो आपको पसंद ना हो। अरे हमने इतने वर्षों से आए, हम जब आए 70s में यहाँ कुछ नहीं मिलता था, ब्रेड और बीज खाकर रहे, फ्रूट्स खाकर रहे, हमने कभी गलत चीजों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन बच्चे लिए अब आप अकेले बैठकर चिंता करोगे उससे क्या होगा। I understand your concern, but worrying is not the solution. गोकर्ण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, देहे स्थिमां सरोधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहिकामहिना अन्यस्य दोष मुह चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बी पॉजिटिव। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। बेहेस्ति मां सौधिरे विमतिं त्यजत्वं। गोकर्ण कहता है पिताजी शरीर से, शरीर क्या है, अस्थि मांस और रुधिर, रक्त का पुतला है, आपको लगता है कि धुंधुकारी आपका बेटा है इसलिए आपको चिंता हो रही है, उसको आप पिताजी जैसे नहीं लगते। आप अपने विचार उस पर थोपना चाहते हो, उसके अलग विचार है। आपको लगता है ये लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, उसको लाइफ स्टाइल में फन कोई अलग जगह पे मिलती है। ये जो गैप है कैसे फिलअप करोगे? चिंता करने से ये गैप फिलअप नहीं होगा। ये संसार में अकेले आए थे, अकेले जाना है, जो भी संबंध है वो सब टेम्पररी रिलेशन, इसलिए आसक्त जाया सुता दिशु सदा ममता में मम जाया अर्थात पत्नी सुत संतान ममता को छोड़ो मेरे पना है। देखिए जीवन में दुखी या सुखी यही करता है, दुखी भी करता है तो मेरे पना है। किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, हम न्यूज में पढ़ेंगे और हम क्या कहेंगे, हाँ पीपल डोंट ड्राइव प्रॉपरली, दे डोंट हैव ड्राइविंग सेंस, और चाय पियेंगे और तुरंत कहेंगे आज की चाय में चीनी कम है। अरे समबडी उसको एक्सीडेंट हुआ, वी डोंट केयर,
लेकिन अपनी संतान को यदि एक्सीडेंट हुआ फिर वो चाय पियोगे और शक्कर कम है कहोगे? अरे जैसे पता चलेगा भागोगे। घटना तो एक ही हुई एक्सीडेंट, लेकिन मेरे व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ तो दुख। तो संसार में दुख किसका है? ममता मेरे बनेगा। एक स्टेज आने के बाद व्यक्ति को धीरे धीरे ये ममता को छोड़ना चाहिए। और इसका अर्थ नहीं कि तिरस्कार करो, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं कहेंगे व्यासपीठ से, और कम से कम मेरी व्यासपीठ से आपको कभी भी नेगेटिविटी सुनने नहीं मिलेगी। क्या रखा है संसार में छोड़, कभी नहीं कहूंगा। क्रिएट अ सेफ डिस्टेंस। एक स्थिति समाज जीवन में आने के बाद व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, मैं सबका हूं कोई मेरा नहीं है, या सब मेरे हैं और मैं किसी का। ये दोनों पर चिंतन करना, दोनों सूत्र हैं जो आपकी पर्सनालिटी को, जो आपकी थिंकिंग को रास आए। इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन तो आपके लिए सूत्र रहेगा, मैं सबका हूं कोई मेरा नहीं, हमसे जितना हो सके अच्छा करेंगे सबके लिए, लेकिन कोई मेरे लिए करे वो अपेक्षा नहीं रखे। और इंट्रोवर्ट यदि आप हो तो सब मेरे हैं मैं किसी का नहीं। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। आत्मदेव घर छोड़कर चले गए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का पारायण करते हुए। कृष्ण सायुज्य पा लिया। पिताजी जाने के बाद धुंधुकारी ने मां धुंधुली को परेशान करना शुरू किया। देखो अपना बेटा नहीं था लेकिन अपना बना के समाज के सामने रखा, अब वही बेटा परेशान कर रहा है। धुंधुली किसी से कह भी नहीं सकती कि मेरा बेटा नहीं। जवानी में हंसते हंसते किए हुए पापों की सजा वृद्धावस्था में रोते रोते भुगतनी पड़ती है। कुएं में गिरकर आत्महत्या की है। नेगेटिव बुद्धि जो होती है ना, कंफ्यूज इंटेलेक्ट इज ऑलवेज सुसाइडल। धुंधुकारी भी भोग विलास में, वो भी पांच स्त्रियों को ले आया, वेश्याओं को। ये पांच विषय, पांच विषय सेंशुअल हैप्पीनेस के पीछे पड़ा, वो पांचों ने मिलकर इसको नष्ट कर दिया। धुंधुकारी प्रेत हुआ। गोकर्ण जब यात्रा करके वापस लौटा है, धुंधुकारी ने प्रेत स्वर्ग दिखाया, आपकी मेरी मुक्ति करो। सूर्य नारायण से गोकर्ण ने उपाय से पूछा भागवत की कथा। प्रिय स्वजनों, पितरों के मोक्ष के लिए भागवत से बढ़कर कोई उपाय नहीं। परिवार में संस्कार देने के लिए भागवत से बढ़कर कोई उपाय नहीं। हमेशा कहता हूं ये संस्थाएं जो ऑर्गेनाइज करती है ना, उसमें जो लोग हैं आप सब आते हैं, लेकिन आपकी एक चिंता है यंग जनरेशन नहीं है। क्यों? इट्स अ टेंपल इवेंट। आप आओगे, यंग जनरेशन कम आता। इसके लिए यदि करना हो आप परिवार के रूप में कथा करो और यंग जनरेशन में कहो, से कहो कि वी आर डूइंग इट फॉर द ग्रैंड फादर, फॉर ग्रैंड मदर। वो एक इमोशनल अटैचमेंट है ना, उसके कारण यंग जनरेशन भी आएंगे। और एक बार आएंगे तो फिर उनको इंटरेस्ट आएगा, वो समझेंगे। मेरा अनुभव है पिछले 35 वर्ष का, वंस दे कम दे लिसन टू इट एंड दे आर मोर सिंसियर देन अस। एक बार उनको सही बात पता चलेगी, दे विल पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ये मेरा विश्व भर का यंग जनरेशन के साथ अनुभव है। परिवार की जब कथा होती है, फैमिली इज डूइंग इट, तो पूरी यंग जनरेशन कनेक्ट होगी इसमें। ऐसे आयोजन अच्छे हैं लेकिन इसमें यंगस्टर्स को लाना बड़ा मुश्किल है, वो मुझसे अधिक आप लोग जानते। धुंधुकारी ने जब कथा की, कथा सुनी गोकर्ण से, उसको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया है और उसकी मुक्ति हुई। गांव लोगों ने कहा कि हमारी नहीं, हमने भी कथा सुनी। विष्णुदूतों ने कहा आपने सुनी लेकिन मनन नहीं किया, मनन यदि करोगे तो आपको भी मिली। धुंधुकारी को तो प्रेत होनी थी ना, उसको मुक्ति के लिए क्यों उपाय? और उसको पता चला कि शांत बैठकर, स्थिर बैठकर मुझे कथा श्रवण करनी पड़ेगी, और वो प्रेत स्वरूप में था बेचारा, स्थिर रह नहीं सकता।
पंडाल बांधने में जो बैम्बू इस्तेमाल होते हो, बांबू के गैप में अंदर जाकर पोलाण मां इस कथा समय स्थिर बैठ कर कथा सुने ना, उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन जो प्रेत होते हैं वो बेचारे स्थिर नहीं हो सकते, कथा में भी अधिकतर तो शांति से भक्ति से कथा सुनते हैं, लेकिन बेचारे कुछ प्रेत भी आ जाते हैं, वो चालू कथा में इधर उधर होते रहते हैं, क्या करें बेचारे प्रेत हैं, वो स्थिर हो नहीं सकते। इतना करना कि ये प्रेत आपको परेशान न करें, आप प्रेत तमने वड़गे नहीं, इतना ध्यान रखें। लेकिन उसकी मुक्ति हो गई, गांव लोगों ने ध्यान से एकाग्रता से कथा सुनी, उनको भी अवमनन किया, उनकी भी मुक्ति हुई। कथा की महिमा सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे, वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, प्रसन्नता हुई, भगवान को वरदान मांगने के लिए कहा। अब ये तो महापुरुष लोग सब बैठे थे कथा श्रवण के लिए, भगवान ने जब कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, सब संतों ने कहा कि प्रभु कथा श्रवण का ही आनंद था, लेकिन आप पधारे तो हमारा आनंद और बढ़ गया है, यही आनंद सभी को मिलना चाहिए प्रभु, इसलिए प्रेत 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 यह आनंद सभी को मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु जब भी भागवत की कथा हो आप उपस्थित रहना। भगवान श्री कृष्ण को तो एक ही शब्द आता है तथास्तु, तो तब से भगवान ने वरदान दिया है, प्रभु का वचन है। प्रिय स्वजनों, जहां जहां भी जब भी श्रीमद् भागवत कथा होती है परमात्मा श्री कृष्ण वहां उपस्थित होते हैं, हमारे मध्य में भी परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उपस्थित हैं, चर्म चक्षु से हम न देख पाए, प्रभु से विनती करें, प्रभु ऐसे तो आप हमारे साथ हमेशा रहते हो लेकिन ये 7 दिन बड़े स्पेशल है, ये 7 दिन आपकी कथा हम एकाग्रता से सुने, हमारी संवेदनशीलता जागृत हो जाए और फिर जीवन भर आपके स्पर्श को हम अनुभव कर सकें। परमात्मा को एक से प्रार्थना करके महात्म्य को हम प्रणाम करें। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की।